Okay. live? Okay. So good morning, dear students. Good morning. good morning to all the live streaming students. Many of you, I hope, are watching the lecture on YouTube today. Uh, the unlisted link has been shared with you guys. Okay. So all the chats and messages I will check on YouTube. ऐप नहीं चल रहा है ऐप पे लेक्चर नहीं है आज द लेक्चर इज ओनली ऑन यूट्यूब ऐप पर नहीं है बेटा लेक्चर गुरुकुल के बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे अरे ऐप पर नहीं चल रहा है ना तो नहीं है ऐप पर लेक्चर हमने चलाया ही नहीं है तो ऐप पर दिखेगा ही नहीं तुमको द लेक्चर इज नॉट ऑन ऐप वॉट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आर गुरुकुल किड्स हियर आर किड्स देयर ऑन द लाइव स्ट्रीमिंग में आप देख रहे हो क्या लेक्चर तुम लोग क्यों नो बोल रहे हो लेक्चर इज नॉट ऑन एप यू डे डोंट लिसन अवट टू वॉट एवर आई से फिर से रास्किन मैम लेक्चर ऐप पे प्ले नहीं हो रहा है मतलब मैं चार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि लेक्चर ऐप पे चला ही नहीं है लेक्चर सिर्फ यूट्यूब पे है आज तो हाइट एडजस्ट करती थी चलो विल स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आई यू एबल टू अटेंड इट सबको लिंक में लाए कि नहीं क्या पता यार ठीक है नहीं सागर आई इकड़े 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 ते एकदा लेक्चर लिस्टेड ही लिहिले ले तू प हेमंतशी बोललास का तू सब बच्चे ग्रुप पे नाही आहे ना तू हेमंतला सांग दो मिनट रुको बहुत मुश्किल आहे यार हेमंत लेक्चर नाही तर पब्लिकच करा सगळी मुलं नाही आहेत ग्रुपवर अजून गुरुकुलची मुलं पण आहेत मग पब्लिकच करून टाका करा हाँ हाँ ठीक है ठीक है एक था मेमन पब्लिक कर दो तो लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑन के लिए का तू स्टॉप कर रिकॉर्डिंग कल का क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है ना आपने को पेज नंबर क्या है अपना ट्वेंटी एट लेट द लेक्चर गेट पब्लिक फर्स्ट वेट Check, check. हे म्हणता लिंकला तरी पण गुरुकुलच्या ह्याच्यात पण टाका हां ते गुरुकुलची मुलंच नाही आहेत ना हां कुठे ग्रुपवर असं झालंय ते हां 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 त्यांच्या ग्रुप व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे तुमच्याकडे हां हां मग लवकर द्या जरा मग ते हां हाँ टेन फिफ्टीन ऐसा कुछ लेते हूँ टेन टेन फिफ्टीन तक क्या हो गया फिर सो यू आर टेलिंग मी यू आस्किंग मी वॉट इज इट यस यस एग्जैक्टली हाँ लाइव है रेकॉर्डिंग ऑन कर नहीं मैं हेमंत सांबली है तला गुरुकुल हाचा टाका लिंक हाँ अभी आ गया बच्चे फिर चलो लेट्स स्टार्ट रेडी रेकॉर्डिंग ऑन कर ओके चलो लेट्स स्टार्ट एवरीबडी रेडी

जीएवी निकालते सिक्सटी और फिफ्टी एट विच एवर इज रेंट, दैट इज हाउ मच फिफ्टी फाइव हाउस थ्री का अगर हम करते तो फोर्टी और फोर्टी एट विच एवर इज टू स्टैंडर्ड रेंट फोर्टी ध्यान में आ रहा है क्या सबको अब यहां पे क्या होगा किसका जीएवी ज्यादा है हाउस टू एंड हाउस थ्री इस ज्यादा को जीरो कर देते कैसे बाई ट्रीटिंग इट एज एस ओ एंड दिस विल बिकम डी एल ओ सो हाउस टू ये मैंने कल डिकटेट किया था वी शुड ट्रीट हाउस टू एंड हाउस थ्री ये मैं चैच तक होना दिखे वी शुड ट्रीट वॉट हाउस टू एंड हाउस थ्री एज एस ओ एंड हाउस वन विल बी ट्रीटेड एज डी एल ओ एंड हाउस वन विल बी ट्रीटेड एज डी एल ओ सही है ना यस yes. सो so, ये कैसे आया एक बार फिर से आपको रिकैप करा के दिखा दिया यहाँ पे अगर मैं नोटबुक में अभी हम लिखेंगे तो ये देखो नोटबुक में वी एफ आ, ये आपको त्रिशूल के लिए मैंने होमवर्क दिया था अब देखो यहाँ पे विल मेक हाउ मेनी कॉलम्स नाउ फॉर एचपी थ्री सो लेट्स मेक थ्री कॉलम्स एंड लेट्स स्टार्ट पर्टिकुलर्स थ्री कॉलम्स क्या डिसाइड हुआ हमारा कौन सा हाउस हो एसओ होगा हाउस टू एंड हाउस थ्री और कौन सा हाउस डी होगा वन मैम अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या हमारे मार्क्स कट होंगे यस यू हैव टू डू वॉट इज़ राइट एंड बेनिफिशियल फॉर द अस कंप्लीट द फॉर्मैट वॉट इज़ द फॉर्मैट जीएवी कंप्लीट द फॉर्मेट ली वन लाइन म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करो एने वी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑल थ्री हाउसेज व यूज फॉर रेसिडेंस बट यू कान शो थ्री हाउसेज एज एसो सो मैक्सिमम ओली टू कैन बी शोनो सो वन विल बिकम डीएलओ अल क्वेश्चन जस्ट टू शो यू वॉट यू डू इफ यू हैव मोर देन थ्री हाउसेज मोर देन टू हाउसेज अच्छा कौन सा घर ऐसा होना चाहिए इसका और एक अलग मेथड है इसको दिखाने का वो अलग मेथड है वो मैं आपको और एक क्वेश्चन से दिखाऊंगी कौन सा घर ऐसा है इसको चूज करने के दो तरीके ये एक तरीका जो इतना ओके okay नहीं है ये ओके ओके मेथड है इतना सही मेथड नहीं है और, और एक मेथड है जो ज़्यादा बेटर है वो मैं अलग क्वेश्चन से देखो किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं तो कोई भी मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं ना ये वाला मेथड ओके ओके है नॉट दैट ग्रेट देर इज़ वन मोर मेथड तो मैम एग्जाम में हम कौन सा मेथड करेंगे मैं बताऊंगी द अदर वाला मेथड ओके okay, तो आई विल शो यू बट यू शुड नो जनरली दोनों अप्रोच आपको पता होने चाहिए ठीक है यस yes, चलो अब हाउस टू हाउस टू अगर एसओ है तो जीएवी क्या होगा नील हाउस थ्री एसओ है तो नील म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एन एवी स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड देन कम्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नाउ पे अटेंशन एक्स बोरो से इंटरेस्ट ऑन बोरो से रिलेटेड दो लाइन्स दिए क्वेश्चन के नीचे पढ़ के लो लोन से रिलेटेड क्वेश्चन के नीचे दो लाइन्स दिए पढ़ के लो टेबल के नीचे एक्स बोरोस फ्रॉम अ रिलेटिव टेन थाउजेंड एट ट्वेल्व परसेंट पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू ओहो, तो उसने किसके कौन से घर के लिए लोन लिया हाउस टू के लिए डेट ऑफ बोरोइंग 2019 डेट ऑफ रीपेमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउस इज कम्पलीटेड तो ये जो भी लोन का तामझाम दिख रहा है ये कौन से घर के लिए दिख रहा है हाउस टू हाउस टू के लिए तो हाउस टू के लिए हम लोग यहाँ पे ऑफकोर्स वर्किंग करना पड़ेगा सो हाउस टू के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के नीचे लिखेंगे नोट वन ए वन के नीचे जो भी नोट है उसको क्या बोलेंगे वन ए एच पी हमारा नोट वन है करेक्ट ना उाइल नोट वन ऐ आएगा हाउस थ्री के लिए देर इज नो लोन बट मैम देर आर अदर एक्सपेंसिस रिपेयर का खर्चा है ग्राउंड रेंट है वॉट इज ग्राउंड रेंट ग्राउंड रेंट इज ग्राउंड का रेंट समटाइम्स द लैंड यू डोंट ओन बट द हाउस यू ओन यू मे टेक द लैंड ऑन लीज एंड द हाउस दैट इज बिल्ट ऑन दैट यू मे कंस्ट्रक्टेड तो ग्राउंड रेंट इज लाइक अ लीज रेंट इज दिस अलाउेबल एक्सपेंडिचर नो आई मीन कौन से खर्चे अलाउड है सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन उस थर्टी परसेंट में बेटा आपके जो भी आपके घर से रिलेटेड खर्चे कम हो ज़्यादा हो ये थर्टी परसेंट में कंसिडर हो गए उसके बाद रिपेयर का खर्चा कंसिडर हो गया अभी इंट सॉरी रिपेयर नहीं है यहाँ पे क्या है हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू बट आउटस्टैंडिंग ये भी घर का है प्रीमियम है इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर हो गया है अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हाउस थ्री के लिए कुछ नहीं है तो हाउस थ्री का आंसर हो गया नील और अभी हम पहले करेंगे नोट वन ए कौन सा नोट करेंगे हम वन ए वॉट इज नोट वन ए फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है Interest on borrowed capital for which house? For house 2 What is the nature of this house? So, so we are doing interest on borrowed capital for which house? For house 2 And house 2 is what? House 2 is so. Correct. फिर से question पढ़ने का, बहुत बार question पढ़ने का, बार-बार आपको जो data चाहिए वो लेने का. House two का बोलो, loan कब लिया है? फटाफट फड़ बोलो, when is the loan taken? लोन इज टेकन ऑन फर्स्ट जून फर्स्ट जून 2019. तो फर्स्ट जून 2019 को क्या लिया हमने लोन लिया बराबर है क्या फर्स्ट जून 2019 को लोन लिया अब घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ ऑल द हाउस व कंप्लीटेड इन ऑगस्ट ट्वेंटी ओहो क्या आपने कंस्ट्रक्शन से पहले लोन लिया यस कैन वी ट्राई फॉर प्री कंस्ट्रक्शन यस ना प्री कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या है ना यहां पे लिखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है डेट ऑफ टेकिंग द लोन टिल डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और Thirty first March, consa thirty first March, immediately preceding the completion of construction. Completion of construction. बराबर है ना इमिजिएटली प्रिसीडिंग द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों में से एवर इज अर्लियर दोनों में से एवर इज अर्लियर सही है क्या किसी को कोई डाउट है क्या ये डाउट है क्या किसी को सब्स्टिट्यूट करें चलो मुझे बोलो व्हाट इज द डेट डाउट है बेटा नहीं ना वट इज द डेट ऑफ टेकिंग द लोन टेलमी फर्स्ट जून टू थाउजेंड नाइनटीन रिपेमेंट का डेट दिया है क्या थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट मे ट्वेंटी थ्री और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट ब्रैकेट में लिखने की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट ब्रैकेट में लिखने की ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी अगस्त 2020 के पहले वाला 31 मार्च अगस्त 2020 के पहले वाला 31 मार्च क्या है 31 मार्च 2020 दोनों में से विचेवर इज अर्लियर बराबर ना ये बराबर है ना मैम हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा प्री कंस्ट्रक्शन है क्या ऐसे पता चलेगा फॉर्मूला करके इनकम टैक्स में एक चीज याद रखो कोई भी शॉर्टकट है क्या नो यू हैव टू चेक हाँ हिंट मिल सकता है कि यार लोन लेने की डेट पहले है घर कंप्लीट करने की डेट बाद में है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ प्री कंस्ट्रक्शन हो सकता है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे अच्छा प्रॉपर फॉर्मूला आ गया तो प्री कंस्ट्रक्शन है तो यहां देखो प्री कंस्ट्रक्शन विल कम फ्रॉम फर्स्ट जून टू थाउजेंड नाइनटीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी कैन यू काउंट इट स्ट्रेट अवे इन क्वाइट लॉजिकल अगर आपका स्टार्टिंग डेट एक जून आपका डेट इकतीस मार्च ऐसा है तो कैन वी देन डू इट ऑन मंथली बेसिस ये सो जून जुलाई जून नाइनटीन जुलाई नाइनटीन ऑगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टोबर नवंबर डिसम्बर नाइनटीन जैन ट्वेंटी फिफ्ट ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज फॉर टेन मंथस मतलब 10 महीने का आपने बैंक को इंटरेस्ट दे दिया तब घर एग्जिस्टेंस में नहीं था तो ये इंटरेस्ट कहीं पे भी इनकम टैक्स में कंसिडर नहीं हुआ है समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं ध्यान में आ रहा है क्या सबको नाउ कैलकुलेट वॉट इज द लोन का अमाउंट सो so पीरियड आ गया सेकेंड स्टेप इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लोन का अमाउंट कितना है टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट फॉर टेन मंथ्स हाउ मच इज दैट ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो कितना अलाउ करेंगे अलावेबल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल बी हाउ मच वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव इयर्स व्हाट इज दैट टू हंड्रेड सो डिड यू ऑल गेट योर प्री कंस्ट्रक्शन अलावेबल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज टू हंड्रेड क्या ये सबको ध्यान में आ रहा है क्या आपका अलावेबल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है टू हंड्रेड आई यू ऑल गेटिंग में डाला लोन पहले ले लिया आपने घर का कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ क्योंकि घर बाद में रेडी आया तो एच पी का वर्किंग भी बाद में होगा तो वो दस महीने का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा डोंट वरी दो 200 दो करके उसको 5 साल में अलाउ कर देंगे झेपता है कि नहीं झेपता है नाउ कम्स इन वेरी गुड एडजस्टमेंट इसके आगे अब मत जाए ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना आप। अब क्या ध्यान से सुनेंगे ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन वॉट अबाउट करंट ईयर इंटरेस्ट क्या आपका लोन अभी भी चालू है ना वन सेकेंड वेट कभी भी इंटरेस्ट करते वक्त दो स्टेप्स होते हैं एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन और एक होता है करंट ईयर का बोलो कभी भी इंटरेस्ट करते वक्त दो स्टेप्स होते हैं एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है करंट ईयर प्री कंस्ट्रक्शन है क्या हाँ है हमने फॉर्मूला में चेक किया मिला उसको डिवाइड बाय फाइव किया अब करंट ईयर दो मिनट लिखना मत करंट ईयर हम कौन से ईयर के लिए वर्किंग कर रहे हैं करंट ईयर मतलब हमने ऊपर क्या लिखा है वी आर डूइंग टैक्स कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग फॉर व्हाट डू वी राइट ईयर दिस इज फॉर एवा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव मैम नहीं लिखा तो भी यही होता है हमको जो क्वेश्चन आने वाला है हैल गेट क्वेश्चन फॉर विच एवा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव बराबर है क्या सो वी आर गोनू गेट इट फॉर ट्वेंटी सही है क्या बेटा प्लीज़ जितने भी बच्चे आज लेक्चर मिस मत करो यहीं से स्टार्ट होता है एक बार हमें वो संडे की आदत लग गई ना कि देर से उठेंगे लेक्चर बाद में देखेंगे फिर वो धीरे धीरे आदत लग जाती है कि लेक्चर बाद में नहीं चलो बाद में मतलब मंडे को देख लेंगे फिर मंडे मॉर्निंग तुम क्लास में आओगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि कल आज जो मैं पढ़ाऊंगी कुछ तो उसका कॉन्सेप्ट अगले दिन होगा दिस इज द स्टार्ट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बट एक बार आप आदत बना लेते हो तो वो सही हो जाता है क्या रे क्या हुआ तुमको ये कैसे बच्चे बराबर आए क्लास में देखो पार्टी, पार्टी मैम नहीं आज नहीं देंगे आज शॉर्ट क्लास है ना आज नहीं नेक्स्ट संडे को देखेंगे हाँ हम्म हाँ 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 हा। चलो चलो अब सुनो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ अब सुनो मैम आपने आज बताने को बोला था कि थर्टी फर्स्ट मार्च को हाँ हाँ बताऊंगी ना फ्यूचर सी है मैं बताऊंगी <laughs> सुनो करंट ईयर क्या होता है ध्यान से सुनना नाउ व्हाट इज द करंट ईयर हम कौन से ईयर के लिए वर्किंग कर रहे हैं ए वाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव बोलो या आप इसको बोल सकते हो पी वाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आई कैन आईदर राइट इट एज ए वाई बट ए वाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव है

Your loan was repaid on thirty first May twenty क्या ट्वेंटी थ्री आपने इस साल में मैम ये फिर से इंटरेस्ट क्यों आ रहा है तुम ये समझ के लो जो ऊपर का इंटरेस्ट है वो बैकलॉग इंटरेस्ट है वो मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट है अब इस साल में लोन चालू है ना तो बैंक तो आएगी ना ये तेरा लोन चालू है चलिए एम दे दे इंटरेस्ट दे तो इस साल आपने लोन दो महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था क्योंकि आपने थर्टी फर्स्ट को लोन रीपे कर दिया दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस ईयर ड्यूरिंग द इयर द लोन वॉज सी लोन गॉट रीपेड ऑन थर्टी फर्स्ट मे ट्वेंटी थ्री माने ड्यूरिंग द इयर लोन वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथस फॉर टू मंथस टू मंथ्स कौन से एप्रिल एंड मे टू मंथ्स कौन से एप्रिल एंड मे बराबर है हमेशा प्री कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया फिर करंट ईयर देखने का कि करंट ईयर में लोन का स्टेटस क्या है लोन अभी भी चालू है क्या तो बैंक अभी भी आती है तुम्हारे पास बोलते है कि चलो चलो ई दो इंटरेस्ट दो तो दो महीने का इंटरेस्ट बैंक लेने आएगी ये दो महीने का इंटरेस्ट होगा फिर से टेन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व परसेंट फॉर टू मंथ दैट इज टू तो योर टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज टू प्लस टू टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 200 प्लस 200 व्हिच इज 400 हंड्रेड झेपता है क्या लिखो कितना लिख के हुआ है कि नहीं लिखा है तुमने तो ये इतना करंट ईयर का लिखने का है ना हाँ चलो राइट इट डाउन दे येस yes, बोलो हाँ एक्सप्लेन करूँगी करूंगी और एक बार करते हो ऐप पर लेक्चर नहीं है बेटा आज नहीं प्ले किया ऐप पे Check. सुनते क्या अभी तू ये 200 क्या है प्री कंस्ट्रक्शन और ये 200 क्या है करंट ईयर। इस बार बाय चांस ऐसे हुआ है कि दोनों अमाउंट सेम है दोनों सेम होगा ऐसा जरूरी है क्या नहीं। ओके। okay, अब करंट ईयर का मैं फिर से समझाऊंगी ठीक है ओके। okay, अब ध्यान से सुनना बैकलॉग इंटरेस्ट हो गया बैकलॉग मतलब क्या प्री कंस्ट्रक्शन अब फिर से मैं लिखती हूँ देखो आपने हमेशा फोकस किस पे करना चाहिए करंट ईयर पे मैं फिर से एक्सप्लेन करू आपका लिख के हो गया है करंट ईयर मतलब कौन सा ईयर है हमारा पीवाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर पीवाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अच्छा अगर क्वेश्चन में बोला जाता लोन वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग ध्यान से सुनना अगर क्वेश्चन सेट कि लोन वॉज स्टिल अरे यार आज बहुत ही स्टाइलिश कोई हो रहा है इफ द लोन इज क्या बोला हमने स्टिल आउटस्टैंडिंग अगर मैंने बोला लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग पूरे साल लोन आउटस्टैंडिंग है तो आप ट्वेल्व मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं आपको स्टेटस देखना है पीवा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का कौन से ईयर का स्टेटस देखना है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वॉट इज द स्टेटस ऑफ द लोन ऑन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर क्यों अरे करंट ईयर बैंक बोलेगी वो तो प्री कंस्ट्रक्शन बाद में था हर साल बैंक आ, आके आपसे इंटरेस्ट लेगी ना तो इस साल अगर लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा वो प्री कंस्ट्रक्शन कौन सा इंटरेस्ट है बैकलॉग वो ईयर वन ईयर टू मैंने जो चमेली के केस में एग्जांपल बोला था कि घर रेडी नहीं है लेकिन लोन ले लिया बैंक को इंटरेस्ट दे दिया वो बैकलॉग इंटरेस्ट अभी कंसिडर हुआ वो तो बात खत्म हो गई अब व्हाट अबाउट करंट ईयर क्या लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है हाउसिंग लोन जनरली लॉन्गर पीरियड के लिए ले जाते हैं 20 इयर्स, 25 इयर्स, 15 इयर्स, सो दे आर आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम बेटा तो यहां पे द लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग अगर हम क्वेश्चन में बोलते अगर इफ इफ इट was गिवन इन द क्वेश्चन लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द होल ईयर तो आप पूरा 12 मंथ्स का 10,000 into 12% करके बैंक आपसे 1200 का इंटरेस्ट लेती। लेकिन लोन इज़ ड्यूरिंग पी वायवर क्वेश्चन में क्या दिया है ड्यूरिंग पी 2324 ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ड्यूरिंग पी 2324 ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वॉट इज द स्टेटस ऑफ द लोन मैम लोन वॉज रीपेड ऑन थर्टी फर्स्ट मे 23, Please understand, 31st May 23 31st मतलब तो आउटस्टैंडिंग था मे तो में, में, में भी लोन आउटस्टैंडिंग था तो ड्यूरिंग पी वाय ट्वेंटी बैंक विल टेक इंटरेस्ट फ्रॉम यू ओनली फॉर टू मंथ तो इसलिए हमने कैलकुलेट किया 10,000 थाउजेंड इंटू ट्वेल्व परसेंट फॉर 2 मंथ्स ऊपर हमने वर्किंग ऑलरेडी लिख लिया है ये मैं सिर्फ आपको फिर से समझा रही हूं तो इसलिए ये इंटरेस्ट कितना आया 200 यस yes. अब करंट ईयर वाला पार्ट समझा दिया मैंने अब बोलो डाउट है क्या करंट ईयर वाले पार्ट में डाउट है क्या हम्म अरे है क्या पक्का करंट ईयर वाला कोई डाउट है क्या चलो पूछो इधर जिनको डाउट था मैंने बता दिया अंजल अंजल को बताया कौन था फिर ऊपर किसने पूछा है के धैया को कौन धैया आज टेक्निकल पर्सन अवेलेबल है क्या ऑफिस में आज संडे बेटा अपने को छोड़ के कोई और काम नहीं कर रहे सिर्फ अपन काम कर रहे हैं ऑफिस बंद है बेटा प्लीज़ हाँ ये भी मुझे स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं है नौ बजे भी कॉल करते टेक्निकल टीम फ़ोन नहीं उठा रही हर नौ बजे इंसान है ऑफिस का टाइमिंग रहता है बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स डोंट बिहेव कि ट्वेंटी फोर सेवन तुमको सब कुछ मिलने वाला है डोंट डू दैट ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स मेरा राइट आया मैंने घर पर ट्राई किया वेरी गुड तुषार वेरी गुड वेरी गुड झेपा झेपा ओके ग्रेट ठीक है आगे जाएंगे यस बेटा बोलो यस हाँ रहेगा ना, रहे ना यहाँ पे बेटा अकाउंट्स का बैठ जा तू बैठ ना हाँ अकाउंट्स का सब्जेक्ट होता ना तो मैं तुमको सिखाती ईएमआई कैसे आता है एक्चुअल इंटरेस्ट दिस इज टैक्स डोंट वी वील हैव टू कॉम्प्लिकेट कितना रीपे हुआ वी आर अज्यूमिंग लोन का अमाउंट वही है एंड देन सीधा टेन थाउजेंड पे कैलकुलेट कर रहे रीपे होते गया तो प्रिंसिपल कम होते जाएगा रियल लाइफ में इंटरेस्ट कम आएगा बट रियल लाइफ में हम ये वर्किंग करते क्या ये वर्किंग कौन देता है हमें बैंक आपने जितना एक्चुअल बैंक को इंटरेस्ट दिया उतना सर्टिफिकेट मिल जाता है हाँ अकाउंट्स की क्लास होती तो मैं आपको सिखाती कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल माइनस होते जाता है और फिर हम उस उसपे इंटरेस्ट लगाते जाते हैं ये नहीं है इनकम टैक्स में सीधा वर्किंग एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आपसे एब्सोल्युटली वैलिड क्वेश्चन कि मैम मेरा तो लोन रीपे होते गया ना, फिर से आप दस हजार हो क्योंकि डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे फिर तो समझा गया अब यहाँ पे कितना लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कितना आएगा वंशिका गुप्ता मैम कैसे पता चला तू क्लास लेट ज्वाइन है क्या कि कैसे पता चला कौन सा घर एसओ है और कौन सा डीएलओ है जो लेट ज्वाइन हुए उन्होंने पहले का ये लेक्चर देखने का यहाँ पे हमने डीएलओ स्टार्ट कैल हमने जीएवी कैलकुलेट किया फिर जिस घर का जीएवी ज़्यादा है उसको हमने एसओ कर दिया वंशिका यू ज्वाइन द लेक्चर लेट बराबर है का हाँ अब सुनो यहाँ पे आएंगे नोटबुक में लिखो अभी पहले कितना आएगा ये फोर हंड्रेड तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव फोर हंड्रेड एंड हाउस थ्री क्या आ गया नील समझा क्या आपको यूट्यूब यूट्यूब हाँ प्री कंस्ट्रक्शन वर्किंग इज सेम फॉर एसओ एलओ डीएलओ सबको दैट मीन्स मैम 2020 से 23 के बीच में जो इंटरेस्ट है वो Uh, हो गया कवर पहले ही हां रिस्पेक्टिव कवर हो गया ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एवरी ईयर में कवर हो गया ना कवि ओके okay? हाँ. आगे जाएंगे अब सुनो डीएलओ ए डीएलओ का जीएवी कैसे कैलकुलेट होता है स्टेप वन लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्टली आप बोल सकते हो व्हाट इज द स्टेप वन हियर म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर एंड विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कितना आ रहा है वो थर्टी थ्री थाउजेंड म्यूनिसिपल टैक्स कितना है किधर गया रे कितना है सेवनटीन क्वेश्चन दे डूइंग ना थ्री थाउजेंड माइनस करो तो ये आएगा थर्टी स्टैंडर्ड डिडक्शन नाइन थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं है कुछ भी तो ट्वेंटी वन थाउजेंड यस दे इनकम फ्रॉम एचपी फ्रॉम एच पी किधर भी आप नीचे लिख सकते हो या आ गया क्या ट्वेंटी वन पॉजिटिव एंड फोर हंड्रेड नेगेटिव सो वी कैन राइट इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम एच पी कितना रे बाबा ट्वेंटी वन थाउजेंड पॉजिटिव फोर हंड्रेड नेगेटिव सो इज दैट ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो यम फ्रॉम एच पी इज ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ऑल ओके विद दिस ए बरबर ना थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आ रहा है क्या सबको आ रहा है ना चलो ऊपर लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एचपी का इनकम यहां पर डिडक्शन ईयर नाउ वेट आई टू एटी फोर सिक्स हंड्रेड तक आ क्या हाँ अब ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना डिडक्शंस का लॉजिक समझ के लो आई होप बच्चे आप लेक्चर देख रहे हो मुझे बहुत ही यह लग रहा है क्योंकि तो आज का लेक्चर नहीं देखोगे तो कल की क्लास में जैसे डिडक्शन का लॉजिक बताऊंगी अब इसलिए मैंने लेक्चर आज यूट्यूब पर लिस्टेड पब्लिक नहीं करना था मैंने कर दिया कि कहीं कोई बच्चा ग्रुप में एडेड नहीं है आपको ग्रुप यू नो लिंक नहीं मिली तो आपका लेक्चर नहीं छूटना चाहिए इसीलिए आई थॉट ऑन द स्पॉट कि चलो आज यूट्यूब पर ही ले लेते हैं पूरा लिस्टेड लेक्चर ना प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू डू द लेक्चर सिंसियरली स्टूडेंट्स आज मैम हमको ऋषभ जैन का नंबर दे दो हमको बात करना है हमको पूछना है डिस्कस करना है कैसे लेक्चर अटेंड करे क्या पढ़ाई करे पहले तुम क्लास रेगुलरली अटेंड करो लेक्चर मिस मत करो तुम वो करोगे तो तुमको नंबर पक्का दूंगी मैं ठीक है अब सुनना लिसन। रीपेमेंट लोन के बाद बैकलॉग इंटरेस्ट तो चलता रहेगा ना फाइव ईयर्स तक ये बैकलॉग इंटरेस्ट फिक्स है फाइव ईयर्स तक चलता रहेगा ठीक है अब सुनना ए मुझे डिडक्शन का लॉजिक समझाने ध्यान से सुनो सम इन्वेस्टमेंट्स लिसन वेरी केयरफुली सम इन्वेस्टमेंट्स आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट सम इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट मैं आपको सेक्शन एटीसी के बारे में बता रही हूं इस क्वेश्चन में देर आर टू इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन इफ यू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली आपने टेन थाउजेंड रुपीज टेन uh, थाउजेंड आपने इन्वेस्ट किया टूवर्ड स्टैचुडरी पी एफ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है स्टैचुडरी पी एफ क्वेरी बीच में मत पूछो क्वेरी मुझे बाद में पूछो प्लीज डोंट डिस्टर्ब द फ्लो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स डेवलप दिस हैबिट नाउ प्लीज आपको लेक्चर फिर लेट होगा हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा क्वेरी पूछो बट एक फ्लो डिस्टर्ब मत करो मैं कुछ तो पढ़ाऊंगी फिर तुम्हारी क्वेरी देखूंगी फिर यहाँ पढ़ाऊंगी डोंट डिस्टर्ब फ्लो प्लीज मैं क्वेश्चन के बाद आपको बोलती हूँ ना डाउट है तो पूछो प्लीज आस्क योर डाउट्स दैट टाइम प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट नाउ हियर एटीसी के बारे में सुनना एटीसी के बारे में बता रही हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना गवर्नमेंट बोलती है यार कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट सम इन्वेस्टमेंट्स गेट टैक्स बेनिफिट वट इज द मीनिंग ऑफ द गेट टैक्स बेनिफिट सम इन्वेस्टमेंट्स विल गेट टैक्स बेनिफिट मीन गेट कवर्ड इन एटीसी एंड सम इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट गेट

वन लैक फिफ्टी थाउजेंड इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी चलेगा लेकिन इससे ज्यादा आप डिडक्शन इनकम टैक्स वर्किंग में कंसिडर नहीं कर सकते तो कौन से ऐसे चीजें जो एटीसी में आपको डिडक्शन मिलता है वो सारी चीजें जहां पे गवर्नमेंट को लगता है ये जरूरी और इंपॉर्टेंट है जैसे गवर्नमेंट को लगता है लाइफ इंश्योरेंस ना लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं जनरल होता है और एक लाइफ का होता है जनरल इंश्योरेंस घर का इंश्योरेंस गाड़ी का इंश्योरेंस क्लासरूम का इंश्योरेंस नॉन लाइफ इसको क्या बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस और दूसरा इंश्योरेंस होता है वो होता है आपकी लाइफ को इंश्योर कराना लाइफ इंश्योरेंस एटीसी में कवर होता है लोगों गवर्नमेंट को लगता है एवरीबडी शुड हैव लाइफ इंश्योरेंस इमेजिन द वर्किंग मेंबर ऑफ अ फैमिली डाइज द एंटायर फैमिली गेट्स अफेक्टेड हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में बाकी कंट्रीज में होता है कभी कभी बाकी कंट्रीज आपका मेडिकल खर्चा बेर करती है फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं एजुकेशन इज फ्री इन मेनी ऑफ द कंट्रीज वी कैन डू दैट पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड वेरी फ्यू पीपल पे टैक्सेस अ वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन पेस टैक्सेज वी कैन डू दैट तो हम बोलते चल यार वो ऐसे बेनिफिट्स नहीं दे रहे तो कुछ टैक्स बेनिफिट दे देते हैं तो लोगों को बोलते हैं आप इन्वेस्ट करो तो हम बोलते हैं एल में इन्वेस्ट करो तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप लेते हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको एटीसी डिडक्शन मिल सकता है एटीसी की लिस्ट बहुत ज्यादा है फोर्टी थर्टी थर्टी फाइव थिंग्स अर जहां पर आपको एटीसी मिलेगा लेकिन लिमिट मिला के टोटल क्या होगा डेढ़ लाख लिमिट इज अपर लिमिट इफ यूर विद इन दैट इज एड ओके यस इट इज ओके ना जस्ट लाइक ए प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड दो प्रकार के होते हैं एक होता है जनरल पब्लिक के लिए इसलिए उसका नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड आई कैन हैव अ पीपीएफ अकाउंट यू कैन हैव अ पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड यू कैन आस्क योर पेरेंट्स डू दे हैव अ पीपीएफ अकाउंट आज देम आपका पीपीएफ में अकाउंट है क्या पीपीएफ में हम पैसे डालते हैं उसको लॉक इन पीरियड होता है पंद्रह साल का फिर आपको पंद्रह साल के बाद वो पैसे विद इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ पे टैक्स नहीं देना पड़ता वो भी एग्जम्ड होता है पीपीएफ में मैंने एक लाख डाला तो मुझे एट्टी सी कितना मिलेगा एक लाख ,00 मैंने पीपीएफ में एट्टी थाउजेंड डाला तो मुझे एट्टी सी कितना मिलेगा एट्टी थाउजेंड जितना आप इन्वेस्ट करोगे आपको डिडक्शन मिलेगा अच्छा मैंने ना पीपीएफ में डेढ़ लाख डाल दिया कितना डाला वन लाख फिफ्टी फिर आज मै सी है अभी और बताओ और कहाँ इन्वेस्ट करूँ तो आई आस्क वेर एल्स आई आस्क मैं सी और कहां करू तो सी ये बोलते देखो तुम्हारी टैक्स सेविंग तो हो गई है तुमको और कहीं करना है तो और गोल्ड ले लो शेयर्स खरीदो शेयर्स खरीदने पे कोई डिडक्शन नहीं है गोल्ड खरीदने पे कोई डिडक्शन नहीं है सम इन्वेस्टमेंट्स आर टैक्स सेविंग सम इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट टैक्स सेविंग तो मैं क्यों करूँ अरे वो तुम्हारे पैसे तुमको सेव करने तो तुम डिसाइड करो हर चीज नॉट बी ओनली रिवॉल्विंग अराउंड टैक्स वैसे भी एटीसी का लिमिट कितना है डेढ़ लाख है कोई व्यक्ति अगर बीस पच्चीस लाख कमा रहा है वो कैसे डेढ़ लाख की सेविंग करेगा वो और भी कुछ पैसे कहीं तो इन्वेस्ट करेगा कि नहीं तो एटीसी में कौन सी लिस्ट है एक एक करके मैं आपको सिखाती जाऊंगी लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक हम एटीसी की लिस्ट बनाएंगे लास्ट पेज तो एवरी क्वेश्चन जैसे भी कम अक्रॉस सम इन्वेस्टमेंट जिसमें एटीसी में, जिस में लेगा हम उस लिस्ट में अपडेट करते जाएंगे पहली चीज आज जो बढ़ा रही हूं एक पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड ना वाई गवर्नमेंट एनकरेज पीपीएफ ऑल्सो They encourage PPF. Do you realize micro level savings can be used at macro level. कौन सी माइक्रो लेवल मतलब मैंने पीपीएफ में एक लाख डाला मिस्टर एक्स ने एक लाख डाला किसी और ने एक लाख डाला किसी ने डेढ़ लाख डाला ऐसे करते करते गवर्नमेंट के पास कितने पैसे जमा हो जाते हैं पीपीएफ के पैसे गवर्नमेंट यूज करती है पीपीएफ एक गवर्नमेंट फंड है जो गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट दे रही है बहुत सिक्योर है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं कुछ भी हो जाए आपको पक्का मिलने वाला है तो पीपीएफ क्या करते गवर्नमेंट का भी कभी कभी गवर्नमेंट जब एल आई पी बोलते तब गवर्नमेंट आपके लिए सोच रहे कभी कभी पीपीएफ बोलते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए भी सोच रही है और खुद के लिए भी सोच रही कि यार इसको पीपीएफ में डालने दो तो इसकी सेविंग हो जाएगी सेविंग हो जाएगी तो ये आपको मैंने ऐसे ही बोला कि पढ़ाई करो तो आप नहीं पढ़ोगे लेकिन मैंने बोला कि अगले वीक टेस्ट है तो आपको टाइम मिलता है तो वैसा ही है यह गवर्नमेंट बोलते सेविंग करो सेविंग करो तुम नहीं करते गवर्नमेंट बोलते यार टैक्स बेनिफिट है फिर तुम करते हो सेविंग समझ में आ रहा है तो पीपीएफ इज फॉर जनरल पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ का अलग एक्ट है पीपीएफ एक्ट के हिसाब से आई कैन पुट मिनिमम फाइव हंड्रेड रुपीज इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है जनरल नॉलेज आपका फाइव हंड्रेड रुपीज इज मिनिमम एंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इज मैक्सिमम उज यू टू पुट मिनिमम फाइव हंड्रेड मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी तो एक साल में मैंने 80,000 डाला अगले साल मेरा सेविंग ज्यादा है तो मैं ज्यादा डाल सकता हूँ क्या यस आपको जितना हर ईयर में जमता है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो पीपीएफ में ऐसे ही पीपीएफ की जगह एक प्रोविडेंट फंड होता है जो एम्प्लॉयर आपके लिए ओपन करता है एम्प्लॉयर ओपन पी एफ अकाउंट सो आई डोंट हैव पी एफ अकाउंट ओनली इफ आई एम अड पर्सन देन आई हैव अ पी एफ अकाउंट चमेली के लिए पीएफ हो सकता है उसका एम्प्लॉयर विल ओपन अ पीएफ जहां पे एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है और एम्प्लॉय भी पैसे डालता है एक पीएफ एक्ट है वी हैव टू पीएफ एक्ट पीएफ एक्ट 1925 पीएफ एक्ट 1952 इंडिया में एक्ट्स की कमी नहीं है आप मुद्दे से भटकने का नहीं हमारा मुद्दा क्लास में इनकम टैक्स एक्ट है यू कांट नो एवरीथिंग आजकल इनकम टैक्स एक्ट अब टैक्सेशन भी करो प्रैक्टिस करते वक्त लोग स्पेशलाइजेशन करते आई प्रैक्टिस ओनली इन डायरेक्ट टैक्स आई प्रैक्टिस ओनली इन बिल्डर्स केसेस आई प्रैक्टिस ओनली इन जीएसटी आई प्रैक्टिस ओनली सो यू हैव पार्टनर्स वन वन लुक्स लुक्स आफ्टर ऑडिट्स आफ्टर टैक्सेशन ऐसा होता है स्पेशलाइजेशन का जमाना है बिकॉज इट इज टू मच टू रीड टू मच टू नो अ पर्सन कैन नो एवरीथिंग इन डिटेल एंड वेरी प्रॉपरली सो पी एफ कौन ओपन करेगा एम्प्लॉयर हु विल ओपन द पी एफ एम्प्लॉयर पीएफ के अलग अलग प्रकार है एम्प्लॉयर ओपन पीएफ पीएफ में अलग अलग पीएफ होता है रिकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड ये अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी जो सैलरी का चैप्टर है अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे ना सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ये सब कहाँ आएगा सैलरी में आएगा तो स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड एक होता है कौन सा फंड होता है स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड तो जो आप स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डालते हो उसका ए सी मिलता है तो जैसे इस क्वेश्चन में आपने क्या किया इस क्वेश्चन में दो इन्वेस्टमेंट है ही कॉन्ट्रीब्यूट टेन थाउजेंड टूवर्ड स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड ये एटीसी के लिए एलिजिबल है एटीसी सेक्शन में दिया मैं हमको कैसे पता चलेगा एटीसी के लिस्ट में दिया है हम एटीसी सेक्शन पढ़ रहे हैं तो बता रही हूँ स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड इज एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन नेक्स्ट इज नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स दिस इज नॉट कवर्ड इन ए टी सी इसको ए टी सी का बेनिफिट नहीं मिलेगा बट फिर भी मैंने खरीद लिए बॉन्ड्स बॉन्ड्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है मेरी मर्जी मुझे इन्वेस्ट करना था मेरे पैसे कर दिया मैंने इन्वेस्ट ए टी सी नहीं मिलेगा तो मत मिलने दो मुझे लग रहा है गोल्ड में आगे बहुत प्राइजेस बढ़ने वाले तो मैंने खरीद लिया गोल्ड फिर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड खरीदने पे मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिला मत मिलने दो एटीसी की लिस्ट फिक्स्ड है सेक्शन ने दिया है एक्ट ने दिया है बहुत सारी चीजें कवर्ड है धीरे धीरे एक एक करके हम लिस्ट बनाते जाएंगे बराबर है हाँ मैं लिस्ट पांच मिनट में देती हूँ पहले क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ तो क्वेश्चन अब दिखेगा कैसे आपका आ गया जीटीआई अयो किधर गया आपका आ गया जीटीआई ओहो आपका जीटीआई आ गया क्या हाँ आपका आ गया जी टी आई जी टी आई में से यहाँ क्या होने वाला है जी टी आई में से आपको मिलेगा ए टी सी मैं ए टी सी में लिखूंगी स्टैचुडरी पी एफ अच्छा मैम ने बोला आपका कोई दोस्त अगर सो गया और लेक्चर नहीं देख रहा आपको बोलेगा यार ये स्टैचुटरी पी एफ क्या है उसको बोलेगा पी एफ दो प्रकार के होते हैं एक पब्लिक होता है एनी बडी कैन गो एन ओपन एंड एक होता है वो पी एफ जो सिर्फ एम्प्लॉयर आपकी कंपनी ओपन कर सकते हैं उसमें दो तीन टाइप्स और होते हैं उसमें का एक टाइप है स्टेचुटरी पी एफ तो स्टैचुटरी पी एफ में एम्प्लॉई जो भी पैसे डालेगा उसका एटीसी मिलेगा दस हजार आपको डिडक्शन मिलेगा आप सेविंग कर रहे हो ये टैक्स सेविंग है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है सम इन्वेस्टमेंट्स आर टैक्स सेविंग सम इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट टैक्स सेविंग यू शुड ऑलवेज एडवाइज योर क्लाइंट टू डू इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट अपू डेढ़ लाख देन दे सेव द टैक्स और उनकी सेविंग भी हो जाती है फिर डेढ़ लाख के ऊपर उनको कहां करना है उनकी मर्जी है बट उनको आप एडवाइस तो दे सकते हो डेढ़ लाख तक सी में तीस से ज्यादा ऑप्शन है एक एक करके हम लिस्ट सीखेंगे अब मेरा इंडिया क्या बनेगा टू लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाउ आई विल कैलकुलेट टैक्स ऑन टू सेवेंटी फोर सिक्स हंड्रेड सो कैलकुलेट टैक्स ऑन टू सेवेंटी फोर सिक्स हंड्रेड जीरो टू टू फिफ्टी जो लोग ने टैक्स नहीं किया आई थिंक मेरे थर्ड लेक्चर में टैक्स कैलकुलेशन हुआ है समझ के लो जीरो तो होता है। लेकिन हमारी कमाई कितनी है टू सेवेंटी फोर सिक्स हंड्रेड कितना इनकम कवर है इसके बीच में ट्वेंटी फोर सिक्स हंड्रेड इस पर टैक्स का रेट है फाइव परसेंट पहले टैक्स का रेट होता है जीरो फिर फाइव फिर टेन फिर ओ टेन नहीं है जीरो फाइव ट्वेंटी थर्टी जीरो टू टू लैख फिफ्टी टू फिफ्टी टू फाइव फाइव टू टेन अब टेन तो यहाँ पे टैक्स कितना आएगा बोलो ना वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री जीरो लिखते क्या तुम लोग हाँ लिखो वन टू थ्री जीरो अब रिबेट मिलेगा क्या

वन टू थ्री जीरो और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो ये वन टू थ्री जीरो सो टैक्स आ गया जीरो टैक्स आ गया जीरो सो टैक्स कितना आ गया जीरो बराबर है क्या बराबर है क्या हाँ अब पहले हेडलाइन लिखो नोटबुक के ऊपर हेडलाइन लिखो आखिरी पेज पे भी लिखवा के दूंगी पहले फटाफट -फड़ मेरी बात सुनते जाओ चलो हेडलाइन यहां तक कंप्लीट हो गया क्या सबका अब हेडलाइन लिखो एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन किधर टू स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रीब्यूशन to statutory provident fund is eligible for is eligible for atc deduction is eligible for what atc deduction इज एलिजिबल फॉर ए टी सी डिडक्शन ठीक है अब देखो एक लड़के का डाउट देखो थिंकिंग बदलो तुम सोच बदलो उस स्टूडेंट का एक डाउट क्या है मैम नेशनल रिलीफ बॉन्ड पे टैक्स लगता है क्या किस पे टैक्स लगेगा नेशनल रिलीफ बॉन्ड तुम्हारा खर्चा है या इनकम है इनफ्लो आउटफ्लो तो समझते जाओ नेशनल रिलीफ बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट किए तो आउटफ्लो है आई एम इन्वेस्टिंग इट इज माई इनकम वॉट इज इट इज माई इनकम हाँ, उस नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट वगैरह आया तो उस पर टैक्स लगता है क्या वो सवाल होना चाहिए सवाल ये नहीं है कि नेशनल रिलीफ बॉन्ड पे टैक्स लगता है क्या वट इज दिस क्वेश्चन इट्स खर्चा इस पर कैसे टैक्स लगेगा यू पे टैक्स ऑन इनकम बराबर है क्या हाँ अब एटीसी की लिस्ट बनाओ ओपन लास्ट पेज अच्छा लास्ट पेज में मैं आपको त्रिशूल में क्या अपडेट कर, करना है वो देती हूँ तो लिव टू पेजेस लिव टू पेजेस फॉर त्रिशूल का अपडेशन एंड नाउ राइट डाउन सी एटीसी लिखो फिर मैं एटीसी अलग से नहीं पढ़ाती हूँ एवरीडे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा एटीसी हम पढ़ते जाएंगे लिस्ट अपडेट होती जाएगी रोज हमारी लिखो फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स आर एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट आर एलिजिबल फॉर ए टी सी डिडक्शन लिख रहे हैं क्या तुम लोग पहला कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ वॉट इज पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ ये पब्लिक के लिए ओपन है जनरल पब्लिक कोई भी जाके ओपन कर सकता है चमेली के भी दो अकाउंट हो सकते हैं पीपीएफ भी और पी एफ भी उसको और भी डालना है तो वो डाल सकती है पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड वट टे यू कॉन्ट्रीब्यूट टू पीपीएफ इट इज एलिजिबल फॉर एटीसी इट इज एलिजिबल फॉर एटीसी बराबर है क्या ए बराबर है ना? यहां पे उसी के नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एक्सम फ्रॉम टैक्स इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ क्या होता है इज एक्जम फ्रॉम टैक्स बराबर है सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंटू ब्रैकेट एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉई पे कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड कौन सा फंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बहुत डिटेल में कहा सिखाऊंगी अगला चैप्टर सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्डुटरी प्रोविडेंट फंड ये क्या है इज एलिजिबल फॉर एटीसी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सैच्यूरिटी प्रोविडेंट फंड इज एलिजिबल फॉर एटीसी ठीक है ये सबको मिलता है एटीसी ठीक है ये एटीसी का डिडक्शन जनरली दिस इज अवेलेबल टू होम इंडिविजुअल एंड एच यू एफ और डिटेल में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे आज के लिए इतना काफी है एवरीथिंग कैन बी बॉम्बार आज मुद्दा एटीसी का है क्या तो सी पे भटकने का नहीं मुद्दे से तुम भटक गए ना तो बहुत खतरा है उधर आज मुद्दा किसका है एचपी का है हाँ। फिर जब आएगा तब एकदम का मुद्दा होगा अब साथ -HP के साथ थोड़ा-थोड़ा कर रहे पूरा मुद्दा ए का है क्या आज नहीं तो भटकने का नहीं हाँ अब यहां आएंगे अब आपके नोटबुक में आ जाओ नोटबुक में और एक हेडिंग लिखो इसी क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग लिखना नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ए टी सी डिडक्शन नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स नॉट एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन मोनू सातपुत है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम क्यों है गवर्नमेंट को देना ही आपको बेनिफिट उनको नहीं टैक्स करना है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ दैट इज वाई दे गिविंग यू द एग्जाम्शन अच्छा क्या बोला था मैंने नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स नॉट एलिजिबल फॉर एटीसी दीपू जब लिमिट होगा मैं सिखाऊंगी लिमिट नहीं है तो उतना ही नोट कर ले बेटा क्या लिखा हमने नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स नॉट एलिजिबल फॉर एटीसी एटीसी डिडक्शन नहीं मिलेगा सही है क्या ये क्वेश्चन हो गया क्या कंप्लीट हुआ क्या पक्का यस yes, चलो लेट्स यू क्वेश्चन थर्टीन लिटिल मोर प्रैक्टिस ऑन प्री प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्वेश्चन थर्टीन करेंगे मंजू ओपन करो रीड क्वेश्चन नंबर अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड पहले क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन के बॉक्स में कुछ लिखना है क्या क्या लिखेंगे ओनली टू हाउसेस कैन बी ट्रीटेड एज कैन बी ट्रीटेड एज एसओ देन द थर्ड हाउस विल बिकम इस क्वेश्चन में थ्री थे ना देन द थर्ड हाउस विल बिकम व्हाट बेटा, विल बिकम डीएल और यहां पे हमने और क्या सीखा स्टैच्यूटरी पीएफ एलिजिबल फॉर स्टैच्यूटरी पीएफ क्या है एलिजिबल फॉर किसके लिए एटीसी, बट नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स नो एटीसी। नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स नो ए टी सी नेशनल रिलीफ बॉन्ड पे क्या होगा ए टी सी नहीं मिलेगा एटीसी नहीं मिलेगा लिखा क्या सबने सही है क्या चलेगा मैम आप आपका टैक्स सेव करते हो कह नहीं, नहीं मैं पूरा पे करती हूँ

यस yes, बहुत ही बढ़िया आपने आपके संडे की बहुत ही अच्छी शुरुआत की है संडे को सेकेंड हाफ में अगर कोई पढ़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी संडे में पढ़ना कब है फर्स्ट हाफ फिनिश योर स्टडी पीपल हु विल गेट अप लेट एंड टेन ओ क्लॉक एंड देन दे वॉच द लेक्चर यू हैव ऑलरेडी बाय देन फिनिश द लेक्चर यू विल स्टडी फॉर टू थ्री आवर्स वाइल आर वॉचिंग द लेक्चर देन यू हैव योर लंच जो पेंडिंग होमवर्क होगा डन कर लो टू एंड थ्री ओ क्लॉक के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है थ्री ओ क्लॉक के बाद तो बिल्कुल पढ़ना नहीं है आपको why you have to go out, explore pune सिटी go out and enjoy, go out and घूम uh, के आ जाओ कहीं आपके कुछ काम हो wo वो करके आओ बेटा in switch out aise ऐसे करने से आपकी badhti बढ़ती है अच्छा स्टूडेंट्स बोलते मैम हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें टाइम नहीं है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट करने के लिए नंबर ऑफ आर्ज नहीं बढ़ा सकते तो क्या कर सकते हैं एफिशियंसी बढ़ा सकते हैं कि उसी काम को आपने अगर कम टाइम लिया तो टाइम सेव होगा वो कब होगा क्लास में अगर आप फोकस कर रहे हो तो फिर से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई बच्चा फोकस नहीं करेगा वो लेगा यार यूट्यूब पे ना जाने तो मैं फिर से देखता हूं उसका टाइम वेस्ट हुआ आप लेक्चर देखते हो बोलते मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग से लेक्चर देखूंगा आपका टाइम सेव हुआ नंबर ऑफ आर्स कांट इंक्रीज एफिशियंसी कैन इंक्रीज हाउ टू इंक्रीज एफिशियं बाई गेटिंग अ गुड स्लीप द डे यूर नॉट स्लेप प्रॉपरली नेक्स्ट डे यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन क्लास सो स्लीप कंप्लीट होनी चाहिए दूसरा स्विच इन स्विच आउट वी आर ह्यूमन वी आर नॉट मशीन एनी वेज वॉट यूर डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग एट टू इवनिंग फाइव थर्टी इज फैंटेस्टिक विच इज नॉट पॉसिबल बाय एवरीबडी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो ऑलरेडी तो आपने खुद को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए संडे को चार से पांच घंटे पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा बिल्कुल सोने का टाइम मिलेगा नहीं संडे क्या टाइम है पढ़ने का टाइम है कुछ छः आठ महीने नौ महीने आप थोड़ा सा नींद एक रूटीन लगा दो संडे को भी उसी टाइम पे उठना है नहीं तो वो साइकिल बिगड़ जाती है रूटीन सेट कर दो आप उसी टाइम पे उठ, उठना ही है ठीक है क्या चलो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन ठीक है अब अरविंद हैड टेकन अ लोन ऑफ फाइव लैक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन फर्स्ट अक्टूबर 21 अच्छा अरविंद ने लोन लिया फर्स्ट अक्टूबर 21 को इंटरेस्ट वाज पेएबल एट 13 परसेंट बढ़िया द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 22 ओ हो 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 कब कंप्लीट हुआ 22 में लेकिन लोन कब लिया 21 में हाँ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा ठीक है रीपेमेंट वॉज डन अपू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर सो नो प्रिंसिपल रीपेमेंट वॉज डन अपू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर कंप्यूट द इंटरेस्ट अलावेबल अंडर सेक्शन 24 फोर फॉर ए वाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव क्या पूछा है हमें सिर्फ इंटरेस्ट एचपी का वर्किंग पूछा है क्या कंप्यूट इंटरेस्ट जो पूछा है वही देने का बराबर है तो जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है वही हेडिंग होगा चलो हेडिंग क्या होगा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर हाँ हाँ ओके okay, चलो हो गया तेरा इश्यू सॉल्व अब क्वेश्चन कौन सा है अपना क्वेश्चन थर्टी आई यू नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस क्वेश्चन नंबर थर्टीन के मंजू में बाजू में आपकी नोटबुक का पेज नंबर चाहिए मतलब चाहिए यू मस्ट गेट द नोटबुक पेज नंबर ओवर हियर ठीक है बाद में मुझे थैंक यू बोल देना पीएल में क्योंकि ये बहुत टाइम सेव करेगा आपका ठीक है बाद में बोलना आप मत बोलना ठीक है थर्टीन थर्टीन वेर पेज नंबर ट्वेंटी सेवन चलो थर्टीन 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 पेज ट्वेंटी सेवन ओ माय गॉड हेडिंग क्या है कॉम्पिटिशन ऑफ अयो 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 कॉम्पिटिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर फर्स्ट पॉइंट चांसेस है क्या प्री कंस्ट्रक्शन के काश्मीर जा, हाँ अब देखो पहले एक मिनट पहले अर्लियर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट था कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने 17 अच्छा 17 क्वेश्चन में एक बार फटाफट -फड़ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमने नोट कर लिए 17 में ग्राउंड रेंट मतलब जो लैंड होता है ना लैंड आजकल कोई नहीं देता ग्राउंड रेंट ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है अब ये जनरली सिंघानिया बुक का क्वेश्चन तब ग्राउंड रेंट का कॉन्सेप्ट है मॉडल तो इस कॉन्सेप्ट को मतलब कहीं यूज नहीं करता ग्राउंड रेंट इज लैंड का रेंट और उसके ऊपर का घर आपका है लैंड आपने 99 इयर्स का लीज लिया होगा कल बताया था ना मैंने फिर से क्यों पूछते हो तुम ग्राउंड रेंट फिर उसके ऊपर का प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आपका है ग्राउंड रेंट ये खर्चा अलाउड नहीं होता है ठीक है ये इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों को लगता है मैम इसका एटीसी क्यों नहीं लिया अरे ये सब डेटा किसका दिया है घर का तो ये इंश्योरेंस किसका है घर का है लाइफ इंश्योरेंस शब्द आया तो एटीसी में जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू बट आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स क्वेश्चन की फ्लो में पढ़ो ये सारा डेटा किसके लिए दिया है घर के लिए दिया है तो इंश्योरेंस भी किसका है घर का ध्यान में आया क्या ये सारे खर्चे अलाव होते हैं क्या नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर हो गया चलो आगे जाएंगे कौन सा क्वेश्चन है अभी हाँ हम लिख रहे अरविंद वाला क्या हो गया नहीं ना अरविंद वाला क्वेश्चन चलो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फॉर्मूला लिखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसके लिए पहले प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड फॉर्मूला बोलो क्या है चलो लर्न हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक डेट ऑफ टेकिंग द लोन और जिसको लर्न नहीं हुआ और दस बार लिखेंगे लर्न हो जाएगा डेट ऑफ टेकिंग द लोन टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और थर्टी फर्स्ट मार्च कब से पहले इमीडिएटली प्रोसीडिंग कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज अर्लियर आकंक्षा यू हैव टू ट्रैक यूर बुक्स ना ट्रैकिंग आई लॉग इन करके यू कैन ट्रैक यूर बुक्स ना वॉट इज द डेट ऑफ टेकिंग द लोन कैन यू प्लीज सब्सटीट्यूट डेट ऑफ टेकिंग द लोन फर्स्ट ऑक्टोबर हाँ लिखो फर्स्ट ऑक्टोबर ट्वेंटी वन वॉट इज द रीपेमेंट ऑफ द लोन नो 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 रीपेमेंट हैज़ बीन डन टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर मैम वेन द लोन गॉट रीपेड वी डोंट नो रीपेमेंट का डेट डैश है अपने को पता नहीं है लेटर डेट ही होगा वो सिर्फ बता रहा है कि थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर तक कोई लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो रीपेमेंट डेट डैश बट इट विज बी अ लेटर डेट नहीं दिया है तो बहुत लेटर दस साल बाद बीस साल बाद होगा नहीं दिया इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट्स ऑल राइट इफ्स नॉट गिवन क्वेश्चन में बोला है नो रिपेमेंट वॉज डन टर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर दैट इज ओके और थर्टी फर्स्ट ये हाँ लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट आप ध्यान से सुनते जाओ जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप कोई क्वेरी पूछ रहे हो ऐसे नहीं मैं जनरल इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आप पहले मेरी बात को सुनते जाओ क्योंकि जनरली आपको वही क्वेरी बाद में आती है सो लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन डोंट टाइप डोन्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट दैट टाइम अब सुनना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ जल्दी बोलो थर्टी जून ट्वेंटी टू तो उसके पहले वाला मार्च कौन सा है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू

कितना मंथ्स हो गया सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स हो गया अच्छा मैम ऐसा क्यों किया थर्टी फर्स्ट मार्च तक ही क्यों है प्री कंस्ट्रक्शन जरा लॉजिक समझो अब लॉजिक समझने के लायक हो रहे हो समझो मैम थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू तक ही क्यों है प्री कंस्ट्रक्शन क्योंकि ना मेरा घर जून ट्वेंटी टू में रेडी हो गया जून ट्वेंटी टू में घर रेडी हो गया मतलब पीवाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है उस साल में घर आ गया है एचपी का वर्किंग होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब्लम कब था जब घर नहीं था एंड दैट प्रॉब्लम वॉज स्टिल लास्ट ईयर बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च तक प्रॉब्लम था जून में घर रेडी हो गया तो इस साल प्रॉब्लम है क्या नहीं तो प्रॉब्लम है उसके पहले वाले मार्च में इसीलिए भी टेक थर्टी फर्स्ट मार्च बिफोर लॉजिक समझा क्या एक क्वेश्चन है जहां फॉर्मूला काम नहीं करेगा आपको शायद लॉजिक से आंसर निकालना पड़ेगा इसीलिए मैं लॉजिक अभी समझा रही हूँ ठीक है वो क्वेश्चन भी मैं क्लास में कराऊंगी घबराना मत हाँ तो ये पीरियड कितना आ गया सिक्स मंथ्स का ये पीरियड कितना आ गया सिक्स मंथ्स का अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द इंटरेस्ट लोन कितना है थर्टीन परसेंट फॉर सिक्स मंथस कैलकुलेट थर्टी टू फाइव हंड्रेड इज द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउ अभी अलाउेबल कितना होगा देखो अलावेबल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट सिक्स थाउजेंड कौन से ईयर से स्टार्ट होगा इट इल स्टार्टिंग फ्रॉम पीवाई जस्ट लिख के लेते स्टार्टिंग फ्रॉम पी कौन सा जब घर रेडी हो जाता है कौन से ईयर से प्री कंस्ट्रक्शन मिलना चालू होगा जब से घर रेडी हो जाएगा सो स्टार्टिंग फ्रॉम विच पी वाय ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का बिकॉज एच पी इज रेडी और कंप्लीटेड बिकॉज एचपी इज कंप्लीटेड कंप्लीट किया एचपी ऑन थर्टी जून ट्वेंटी टू नहीं मैम कैसे ऐसे समझेगा कैसे ये, ऐसा डिटेल में लिखना पड़ता है इनकम टैक्स में कोई शॉर्टकट नहीं है बहुत पेशेंस लगता है आपको समझ में आया क्या एक एक पॉइंट आपको नोट करना है पेशेंटली सॉल्व करना ये है। ठीक है तो कौन से पांच साल में मिलेगा पी वाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री पी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर PY 24, 25, PY 25, 26, और PY 26, 27. हम कौन से ईयर के लिए वर्किंग कर रहे हैं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ओहो टी थ्री ट्वेंटी फोर में प्री कंस्ट्रक्शन है क्या है कितना है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये ऑल फाइव ईयर्स यू आर गोइंग टू गेट सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्टार्टिंग कहां से होता है उस साल में जब आपका घर रेडी होता है समझ में आया यस yes. तो प्री कंस्ट्रक्शन हो गया दे फॉर माई कंक्लूजन इज वॉट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज हाउ मच फॉर पी वायम वाई आर वी डूइंग ओनली फॉर ट्वेंटी फोर बिकॉज क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का ही पूछा है अब आगे क्या सोचोगे हाँ जैसे ही वेरी गुड जैसे ही प्री कंस्ट्रक्शन खत्म होता है आपने क्या सोचना चाहिए करंट ईयर क्या लोन अभी भी चालू है क्या हाँ रिपे नहीं हुआ है अभी करंट ईयर बैंक आएगी ना चलो चलो मेरा इंटरेस्ट दो सो वन पॉइंट यू फिनिश प्री कंस्ट्रक्शन नाउ द सेकेंड पॉइंट इज करंट ईयर सेकेंड इज वॉट करंट ईयर इंटरेस्ट सेकेंड क्या है करंट ईयर इंटरेस्ट सेकेंड क्या है आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट सही है क्या चलो करंट ईयर मतलब कौन सा ईयर के लिए ड्यूरिंग पी वाय ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग कुछ बोला है क्या लोन रिपे हो गया मिडिल ऐसा कुछ बोला है क्या नहीं उल्टा बोला है लोन रिपे नहीं किया लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग है तो पूरे साल का इंटरेस्ट बैंक आपसे लेने वाला है देयरफॉर द इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर विल बी फाइव लैक्स पे थर्टीन परसेंट विच इज सिक्सटी फाइव थाउजेंड दे आपका जो टोटल इंटरेस्ट आने वाला है टोटल इंटरेस्ट दो पार्ट में आएगा प्री कंस्ट्रक्शन सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल इंटरेस्ट फॉर पी वाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड करंट ईयर का इंटरेस्ट सिक्सटी फाइव थाउजेंड so, सो टोटल बोलो कितना आएगा सेवेंटी वन फाइव हंड्रेड सही है क्या सही है क्या कोई डाउट है क्या किसी को मैम स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन एक अक्टूबर है तो उसका पीवाई तो होने दो ना स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है स्टार्टिंग एक अक्टूबर ट्वेंटी वन को लोन लिया है तो तुझे क्या हो गया उसमें स्टार्टिंग कब हुआ वो नहीं देखते किरण प्री कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम कब सॉल्व होता है जब घर एग्जिस्टेंस में आता है जब घर आता है उस साल से पांच ईयर काउंट किया जाता है बराबर है क्या हाँ आगे जाएंगे क्या एक और क्वेश्चन करूं फिफ्टीन रीड क्वेश्चन फिफ्टीन फिफ्टीन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन सुनो ना फिफ्टीन के उधर आपके नोटबुक का पेज नंबर आना चाहिए फिफ्टीन क्वेश्चन के उधर नोटबुक का पेज नंबर आना चाहिए चलो रीड करो क्वेश्चन वर्किंग इतनी ही करनी पड़ेगी क्या तुझे थोड़ा सेव कर लेगा कर ले शॉर्ट में तुझे मनीष करना है तो दैट्स ओके ये ध्यान में आ रहा है ना सबको कल से अपन प्री कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं अभी तक हाँ चलो मोनू करंट ईयर को थ्री मंथ का इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया थ्री मंथ कैसे आया बता मोनू तुझे थ्री मंथ कैसे आया बेटा बता दे हाउ आर यू गेटिंग थ्री मंथ बेटा विराज इट्स ओके इफ यू शो द वर्किंग और यू डोंट शो द वर्किंग ओके तेरे सवाल का जवाब है यह मोनू तुझे थ्री मंथ्स कैसे आया बता तो जरा बेटा थ्री मंथ्स नहीं है पूरे साल के लिए लोन आउटस्टैंडिंग है तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा ना रेडी क्या पढ़ा आपने इधर दो लोन लिए माय गॉड मज्जा लोन कितने लिए इधर दो ये मेरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है मैं टू थाउजेंड ना यहाँ पे लोन कितना लिया है दो लिया है बराबर है एक लोन कितना है टेन लैक्स उसके बाद और कौन सा लोन लिया एट लैक्स का अब पहला लोन कौन सा लिया है टेन लैक्स का तो फर्स्ट वील फोकस ऑन टेन लैक्स का लोन देन वील डू वर्किंग सेपरेटली फॉर एट लैक्स का लोन समझ में आ रहा है क्या यस तो फर्स्ट राइट डाउन फैक्स लिखते हैं यहां पे फैक्स ये है अरविंद टेकन टू लोन्स करेक्ट ना वन कौन सा लिया है टेन लैक्स का एंड कौन सा लिया है? लाख का। अरविंद टेकन टू लोन्स वन टेन लाख एंड वन एट लैक्स लाइफ स्टूडेंट्स मिंग स्टूडेंट आई यूर अंडरस्टैंडिंग मी अ थम्स अपल आर वाचिंग लाइव जस्ट लेट मी नो इफ आर अंडरस्टैंडिंग जस्ट सेंड मी से थम्स अप क्विकली सेकंड टू लोन्स एक दस लाख का और एक कितना बेटा एट लैक्स का बराबर है क्या ए बराबर है ना हाँ अब सुनो फर्स्ट डू टू वर्किंग फॉर वॉट यस राइट डाउन लोन ऑफ टेन लैक्स अंडरलाइन पहले अपन वर्किंग किसके लिए करेंगे टेन लैक्स के लिए टेन लैक्स के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ सकता है क्या देखो ना यार लोन कब लिया आपने फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन में देखने का सब कुछ किधर दिया है क्वेश्चन में हाँ थैंक यू ओके ओके एवरीबडी इज गेटिंग इट ग्रेट क्वेश्चन में क्या दिया है लोन लेने की डेट कहाँ दी है क्वेश्चन में लुक इन द क्वेश्चन हाँ एक नवंबर ट्वेंटी वन ओ हो और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर को लोन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ बराबर है क्या 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 तो प्री कंस्ट्रक्शन आ सकता है क्या आ सकता है अब प्री कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला लिखो यार लिखो ना क्या है फॉर्मूला लर्न हुआ क्या नहीं हुआ डेट ऑफ टेकिंग द लोन लेट्स ट्राई एंड लिखा फॉर्मूला वॉट इज द डेट ऑफ टेकिंग द लोन फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी अब रीपेमेंट का डेट दिया है क्या क्वेश्चन में नॉट गिवन तो रीपेमेंट डेट वुड जनरली बी लेटर यहां पे लिखेंगे रीपेमेंट डेट नॉट गिवन कुछ तो हटके लेकिन इधर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे टाइम थर्टी फर्स्ट मार्च की डेट आ गई कंप्लीशन की फर्स्ट टाइम सो फर्स्ट टाइम एंड देन दे रिपीटेड दिस सेम कॉन्सेप्ट थर्टी फर्स्ट मार्च वाली ही कॉन्सेप्ट नवंबर टू थाउजेंड थ्री में जो आपका कैडबरी क्वेश्चन है तो प्लीज अंडरस्टैंड देन दे रिपीट कुछ तो एक बार डालते हैं इसीलिए क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको क्या दिया था तभी डेट वॉज थर्टी फर्स्ट मार्च अब कंप्लीशन की डेट रिपेमेंट की डेट इज नॉट गिवन दैट मीन इट विल बी अ लेटर डेट अब कंप्लीशन कब हुआ ब्रैकेट में लिखते हमेशा कंप्लीशन कब हुआ 31 मार्च 24 उसके पहले का ही मार्च लेना है क्योंकि मार्च 24 को घर रेडी है उस साल में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस साल में घर रेडी हो गया मार्च 24 को घर रेडी है कि नहीं चाहे लास्ट डेट को होने दो 31 मार्च को घर रेडी है ना रेडी है ना तो मार्च 24 के ईयर में प्रॉब्लम है क्या तो प्रॉब्लम कौन से ईयर में उसके पहले वाले ईयर में तो दैट इज वाई इट इज थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ही लेना है क्या लेना है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ही लेना है अब दोनों में से विचेवर इज अर्यर अब ये आएगा फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी वन टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा अब आपके मन में डाउट आ रहे होंगे सुनना मैम अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर तो आपने कौन सा डेट लिया है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री प्रीसीडिंग मतलब प्रीसीडिंग एंड लॉजिकली भी सोचो मार्च ट्वेंटी फोर को घर रेडी हो गया ना तो मार्च ट्वेंटी फोर वाले ईयर में तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि घर आ गया प्री कंस्ट्रक्शन मतलब प्रॉब्लम क्या है कि घर रेडी नहीं है तो प्री कंस्ट्रक्शन कब होगा पहले वाले थर्टी फर्स्ट में अब अगर आपको लगता है अच्छा मैम यहाँ पे थर्टी मार्च ट्वेंटी फोर होता तो तभी भी हम 31 मार्च 23 करते मैम यहाँ पे एक अप्रैल 24 होता तो तो पहले वाला 31 मार्च 24 जो भी डेट है उसके पहले वाला 31 मार्च लेना है इज द फंडा क्लियर चाहे डेट 31 मार्च ही क्यों ना हो और लॉजिक भी है 31 मार्च 24 मतलब ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर को घर रेडी है मैम लेकिन घर तो लास्ट दिन पे रेडी हुआ लास्ट दिन पे होने दो लेकिन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर भी उसी ईयर का ही एक हिस्सा है उस ईयर में घर रेडी हो गया है प्रॉब्लम कहाँ है उसके पहले ध्यान में आ रहा है क्या सबको पक्का करंट ईयर में आएगा ना घर रेडी है तो करंट ईयर उस साल का इंटरेस्ट पी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का इंटरेस्ट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में आएगा घर रेडी है लास्ट डे को होने दो तो होने दो हम ईयरली बेसिस पे करते हैं हाँ नहीं मिली कुछ नहीं होता फिर भी हम कंसिडर करते हैं डेट डे तो घर गॉट रेडी ना एक्सपेक्टेड रेंट लेके करना पड़ेगा फिर रेंट पे नहीं दिया नहीं दिया कुछ भी है ठीक है ओके 31 मार्च भी आया तो क्या लेंगे पहले वाला 31 मार्च इज दैट क्लियर टू एवरीबडी यस ओके अब फर्स्ट नवंबर 21 वन टू थर्टी मार्च 23 बराबर है काउंटिंग करो ए काउंटिंग कैसे करोगे डेज में न को ना एक तारीख है थर्टी फर्स्ट है क्या हुआ डाउट है क्या देखो नहीं तो मंथ्स में बेटर है ना तो आई कैन कैलकुलेट नवंबर से एक नवंबर ट्वेंटी वन टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू मतलब नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च ये फाइव मंथ्स हो गया और अगला एक साल ट्वेंटी टू से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री तक इज दिस वन ईयर फाइव मंथ्स नो नो मैम आई डोंट लाइक दिस आई लाइक टू डू वन ईयर एंड सम डेज डू इट देन टू दैट एक्सटेंड तुम्हारा और मेरे आंसर में फर्क आएगा चलेगा हाँ चलेगा क्या ऐसे आई सब आंसर्स को करेक्ट देगी हाँ नेशनल लेवल एग्जाम है कोई बच्चा डेज कर सकता है कोई ईयर कर सकता है कोई डेज करेगा कोई अलग अलग आप काउंटिंग कर सकते हो थोड़ा सा उसमें क्या आता है फिर राउंडिंग ऑफ या थोड़ा सा फर्क आता है चलता है क्या हाँ चलता है बेटा इट्स प्रोफेशनल एग्जाम ओके प्रॉब्लम है क्या किसी को वन ईयर फाइव मंथ्स में ओके यस आफ्टर दिस क्वेश्चन आई गिव यू अ ब्रेक चलो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलो फिर क्या आएगा दस लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ओहो सिक्सटीन परसेंट पहले एक साल का निकालो वन लाख मज्जा सिक्सटी थाउजेंड एंड टेन लैक्स पे सिक्सटीन परसेंट फॉर फाइव मंथ्स कितना है वो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स सिक्स सेवन सो टोटल कितना आ गया दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बट इतना अलाव होता है क्या कितना अलाव होता है एक दिन का हुआ तो अनफेयर है अरे तुम मत लो ना कम्प्लीशन तुमको कंप्लीसन की डेट तुमको ही लेनी है तुम आ, बिल्डर को बोलो एक अप्रैल की कंप्लीस डेट दे दो तुमको इतना दर्द हो रहा है मैम एक दिन का थर्टी फर्स्ट मार्च आया डोंट टेक एक कंप्लीसन ऑफ थर्टी फर्स्ट देन टेल हिम रिक्वेस्ट हिम कि थर्टी फर्स्ट मार्च का कंप्लीसन देने के बदले मुझे एक अप्रैल का दे दो तुम पोजेशन एक अप्रैल का दे दो कंप्लीसन की डेट एक अप्रैल की दे दो विच इज ओके इतना क्या हो गया समझा क्या हाँ टू ट्वेंटी सिक्स 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 सेवन देफो अलावेबल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लिखो कितना आ रहा है फोर्टी फाइव थ्री 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 आई यू गेटिंग दिस चेक करो रे आज ब्रेक एकदम तुरंत जल्दी आ जाना आठ मिनट के अंदर ही आ जाना आज वैसे भी, भी भीड़ नहीं है जल्दी हो जाएगा क्यों क्योंकि लेक्चर में दस सवा दस तक ही ले रही हूँ ग्यारह तक नहीं ले रही हूँ गुरुकुल में इवेंट है अभी मुझे पता नहीं मैं इवेंट के नाम पे बोल रही हूँ कि लेक्चर लेट लूंगी और वैसे भी गुरुकुल के बच्चे लेक्चर देख ही नहीं रहे सो ही रहे होंगे क्या ही पता है मुझे बट ठीक है क्या हुआ हाँ करंट ईयर का करते हैं ना बिल्कुल करंट ईयर का आएगा एब्सोल्युटली करेक्ट ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन नाउ इसके बाद एक मिनट ये वन पॉइंट दिया ना हमने इधर हाँ अब पॉइंट नंबर टू क्या आएगा पॉइंट नंबर टू करंट ईयर क्या ये लोन अभी भी चालू है हाँ तो करंट ईयर का इंटरेस्ट तो टेन लैक्स पे आपको कितना आएगा करंट ईयर का इंटरेस्ट ए कब लोन लिया अपन ने हाँ पूरे साल का ही आएगा ना तो मच इज दैट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड करेक्ट है कोई प्रॉब्लम है रीपेमेंट नहीं दिया ना इधर नहीं दिया है हाँ नो no, मैम हम देख रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड मैं गुरुकुल की हूँ वेरी गुड मैम देख रहे हैं लेक्चर गुरुकुल से बढ़िया है अच्छी बात है ठीक है क्या हाँ करंट ईयर का इंटरेस्ट टेन लैक्स इंटू सिक्सटीन परसेंटेज हाउ मच वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ऑल ओके विद दिस ऑल ओके हाँ अब यहाँ पे ये दस लाख के लोन का इंटरेस्ट हो गया क्या हमारा कितना हो गया प्री कंस्ट्रक्शन फोटी फाइव थ्री 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 आ गया और ये वन लैख सिक्सटी आ गया पहले इसका भी टोटल नहीं लेंगे पहले अपन क्या कंप्लीट करेंगे अभी एट uh, लाख का लोन भी है ना पहले ये दस लाख का है अभी एट लाख का लेंगे फिर टोटल ले लेंगे डन है क्या ના બરાબર બટ વર્કિંગ karna padega ઓકે નાઉ રાઈટ ડાઉન રોમન નંબર 2 लोन ઓફ ક્યારે 1 લાખ મજ્જા હા શું શું બોલતા હે ફિર સે ફોર્મ્યુલા લખના પડેગા 10 બાર લખાવુંગા બેટા તને કો તને કો ફોર્મ્યુલા લખને સે ઇતની તકલીફ હો રહી હે ના સુન ના તેર હોમવર્ક હે એય સુન સુન आज का होमवर्क नहीं 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 तेरा होमवर्क है ए आर्ग्यू करेगा ना दस का पंद्रह पंद्रह का बीस हो जाएगा हाँ तो दस बार फॉर्मूला जहाँ ए और त्रिशूल का लिखा हुआ है ना दस बार लिख के मुझे क्लास के बाद जाने से पहले दिखा के फिर तू जाएगा आज ही दस बार लिखने में कितना टाइम लगता है हाँ एक बार लिखने को तकलीफ हो रही है मेरी क्लास में मच मच किया तो देखो फिर हाँ चलो लोन ऑफ एट लैक्स लिखो लोन ऑफ एट लैक्स हाँ लोन का डेट बोलो क्या है इधर मत जाए लेकिन एक जल्दी बात कर दिया वो लोन की जरूरत ही नहीं फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है प्री कंस्ट्रक्शन ही नहीं है अननेसेसरी जल्दी बात कर दिया टॉक लेस थिंक मोर ऑब्जर्व मोर ट्रू साइंस ऑफ अ प्रोफेशनल लोन ए बोलो लोन वॉज टेकन वेन लॉजिकली भी दिखाऊंगी फॉर्मूला से भी दिखाऊंगी कि यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन है ही नहीं लोन कब लिया फर्स्ट अक्टूबर 20 अरे बोलो ना हाँ फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ सेम ईयर में ही हो गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन थर्टी मार्च ट्वेंटी ये भी पी वाई में लोन लिया घर भी पी 24 में कंप्लीट हो गया मतलब जिस साल में लोन लिया उसी साल में घर कंप्लीट हो गया मतलब प्री कंस्ट्रक्शन है ही नहीं ये लॉजिकली है मैम नहीं ना एग्जाम में कभी कभी लॉजिक से, से काम नहीं करता रहा फॉर्मूला से दिखाओ फॉर्मूला से दिखा देती हूँ मी व्हाट इज द डेट ऑफ टेकिंग द लोन ये लोन कब लिया फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी वॉट इज द डेट ऑफ रीपेमेंट आठ लाख के लोन की बात हो रही है वॉट इज द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन नॉट देयर लेटर ही होगा ये और घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ ब्रैकेट में लिखने का घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर अब घर का कंस्ट्रक्शन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर को कंप्लीट हुआ तो उसके पहले वाला मार्च है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री विच एवर इज अर्लियर हाउ कैन यू हैव अ पीरियड उल्टा फ्रॉम 1st October 23 to टू March 23 मार्च ट्वेंटी उल्टा पीरियड होता है क्या ऑक्टोबर 23 से बैकवर्ड दैट मीन्स देर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मैम अगर मुझे लॉजिक से समझ में आ गया ये क्या है ये लॉजिक से मैम मुझे लॉजिक से समझ में आ गया तो क्या मुझे ये फॉर्मुले से करने की जरूरत है एग्जाम में मत करो मैम मुझे कंफ्यूज हो गया प्रेशर आता है एग्जाम में तो आपको लगता है नहीं नहीं मैं क्रॉस चेक करूँ यूज द फॉर्मूला फॉर्मूला अगर ऐसा कुछ तो क्या बोलते हैं ऐसा वियर्ड फॉर्मूला आंसर ऐसा कुछ तो वियर्ड आ गया तो नहीं है प्री कंस्ट्रक्शन और लॉजिक क्या है जिस साल में लोन लिया उसी साल घर भी रेडी हो गया तो उसी साल से सीए घर का वर्किंग भी करेगा और उसका इंटरेस्ट उधर ही अलाउ करेगा तो सिंपल फंडा देर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यूज इट बाई द फॉर्मूला यूज इट बाजिक व्हाट एवर मेथड यू वॉन्ट राइट डाउन बोथ लिख के हो गया तो लॉजिक से भी समझा लॉजिक से भी समझा क्या ध्यान में आ गया क्या सबको अब देखो देर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अब प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें ये फर्स्ट हो गया इसका प्री कंस्ट्रक्शन जीरो हो गया अब करंट ईयर का तो है अब मत जा फिर से मत जा करंट ईयर मींस पीवाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर दिखने के लिए दिखता है चार मार्क्स का चार लाइन का क्वेश्चन कब से सॉल्व कर रहे हैं अपन करंट ईयर पीवाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में यू हैव टेकन द लोन ऑन फर्स्ट ऑक्टोबर ट्वेंटी थ्री मतलब यू हैव टेकन द लोन इन द मिडल ऑफ द ईयर ओहो यू हैव टेकन दिस लोन इन द मिडल ऑफ द इयर आपने लोन अक्टूबर से लिया तो इंटरेस्ट भी अक्टूबर से ही देंगे ना तो ये जो करंट ईयर पी वाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है लोन टेकन ऑन फर्स्ट अक्टूबर है लोन टेकन ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी थ्री डेट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर सिक्स मंथ्स हाउ एक अक्टूबर ट्वेंटी थ्री टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर लोन ड्यूरिंग द ईयर मैंने स्टार्टिंग में लोन नहीं लिया है मैंने लोन एक अक्टूबर से लिया है तो बैंक को इंटरेस्ट मैं अक्टूबर से दूंगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च सिक्स मंथ्स अब एट लैक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्सटीन इंटू सिक्स मंथस सिक्सटी फोर थाउजेंड इज करंट ईयर इंटरेस्ट अगर अब मैं कंक्लूजन यहां तक आगे क्या बोले? उस ईयर में इंटरेस्ट नहीं लाएगा क्या क्यों नहीं लाएगा करंट ईयर तो आएगा ना प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है नो प्री कंस्ट्रक्शन तो उस ईयर का प्री कंस्ट्रक्शन जीरो आएगा ऋषिका अग्रवाल समझे क्या ए साकेत क्या रे डन है क्या हाँ अब सुनो अब टोटल देखो अब देखो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन ए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पहले कितना आया दस लाख के लोन का कितना रे फोर्टी फाइव थ्री 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 फिर मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया करंट ईयर का इंटरेस्ट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड फिर मेरा प्री कंस्ट्रक्शन ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कौन से लोन के लिए है एट लैक्स ,00 के लिए यह है क्या नहीं है फिर मेरा उसका क्या आएगा करंट ईयर का इंटरेस्ट आईओ करंट ईयर का इंटरेस्ट एट लैक्स के लिए कितना टोटल टू लैख सिक्स थाउजेंड थ्री 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 आंसर विल बी रॉन्ग इफ यू राइट ओनली दिस मच इतना तामझाम करने के बाद भी मार्क्स लूज करोगे प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल एसओ ज अ लिमिट ऑफ टू लैक्स दे लैक्सिंग हाउ मच इज अलावेबल मैम कहाँ कहाँ दिया ये एसओ है कहा वो एसओ है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन नंबर कुछ गेला ए नंबर का है हाँ ah, ये देखो अरविंद कमेंट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस एक्सक्लूसिवली इंटेंडेड फॉर हिज रेसिडेंस मतलब दिस इज असो प्रॉपर्टी हाउ मच इज द इंटरेस्ट अलाउेबल यहाँ पे दो इट इज 2 69 something something the interest that will be allowable will be only restricted to 2 lakhs. So yeah interest allowable under section 24 is 269. No restricted to 2 lakhs. So it will be only 2 lakhs. Interest allowable under learning twist. Okay. इंटरेस्ट अलावेबल अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर इज हाउ मच टू लैक्स सबको ध्यान में आ रहा है क्या ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझा तो भले ही इतना पुराना क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर ईयर्स बैक स्टिल वाई आर वी डूइंग इट बिकॉज देर इज अ कॉन्सेप्ट आई हैव सीन पेपर्स फॉर सो मेनी ईयर्स सो आई विल पिकअप द क्वेश्चन विच आई फील वी नीड टू डू इन द क्लास ध्यान में आ रहा है क्या किसी को कोई डाउट है क्या नहीं ब्रेक चाहिए क्या पक्का नहीं चाहिए क्या ब्रेक मतलब ऐसा बिना ब्रेक के नहीं चलेगा क्या नहीं चलेगा तुम्हारी बहुत दादागिरी है रे मेरे पर ठीक है चलो आठ मिनट का ब्रेक लेंगे आज स्विच इन स्विच आउट मेरे को ही, मेरा ही डायलॉग सिखा रही है तू तो। हाँ हाँ इनको बुलाते ना टेम्परेचर बढ़वा के लेते ना विल कॉल दिस ब्रेक का ये भी लगाएंगे ए, मैं एट मिनट्स में स्टार्ट करूंगी यू कैन ईट गेट इट फास्ट एंड ईट हेयर ओली प्लीज अमर मज़ा ब्रेक है किधर गया वो हाँ इधर लिखना देखो किधर भी लिख मेरे को पांच बार लिख के दे तेरा फॉर्मूला हाँ चेक अमर एक ना तुम्हारा क्या लॉ का कल टेस्ट है क्या कोई क्या टेस्ट आज एम सी क्यू टेस्ट कितने बजे फिर हाँ तुम्हारा एम सी क्यू टेस्ट हुआ है क्या लॉ में एक भी गूगल फॉर्म पे हुआ था स्टार्ट करेंगे ओके बिकॉज टूडे क्लास का ड्यूरेशन इज ऑलरेडी लेस तो ये एक घंटा भी मैं कभी तो शाम को अभी कवर करूंगी हाँ कौन है ये शाम को आपका अकाउंट्स का क्लास कितने बजे खत्म होता है वेलकम एट सिक्स फाइव फोर्टी फाइव सिक्स टू सेवन आई लेट यू नो नेक्स्ट वीक में कभी तो भी लेंगे. ये अपने को रिकवर करना पड़ेगा. चलो. हाँ, इधर आऊंगी तो उस दिन सुबह होगा सुबह साढ़े तीन घंटे होगा एक घंटे शाम के लिए मैं साढ़े तीन घंटे सेक्रीफाइस करेगी क्या मैं सीए है ना बेटा ऐसा करेगी क्या मैं फिर क्या सवाल पूछता रही है चलो चलो ना अभी तुम जरा पढ़ाई स्टार्ट करते चलो हु इज गिविंग मी सजेशन उसने लिख लिया पांच बार मैंने उसको बोला दस की जगह पांच बार लिख दे लिख लिया उसने <laughs> ए, स्टार्ट करना स्टार्ट है लाइव है मैं चलो रे स्टार्ट करते हैं पर हो गया ये क्वेश्चन हो गया क्या आयो आयो आयो। हम्म बेस्ट कवि चलो अब सुनो ना अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दैट रे लेटेस्ट डू रोहिणी रवि वाला क्वेश्चन फोर्टीन रेडी तुम चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर Let's लेट्स स्टार्ट 16th इज होमवर्क एक मिनट 16th इज होमवर्क 17 मैंने कर लिया फिर है 18 ठीक है 19 ने किया है ना नो नो वेट नो आई टेल यू अच्छा ऐसा है ठीक है चलो आगे जाते हैं अभी के लिए होमवर्क है क्या है अभी के लिए सिक्सटीन सो फार क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज फॉर होमवर्क डन है चलो 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 हम्म hmm. फोर्टीन क्वेश्चन रेडी लेट्स रीड क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं है जो भी थोड़ा फ्लो में होगा सवा दस, दस दस बीस ऐसा भी हो सकता है हाँ मतलब ऐसा वो क्या होता है फिर तुमने दिमाग में रख लिया फिर वो तभी से तुम ऐसे रेस्टलेस होने लगते हैं ऐसे एकदम बावलट लोगों के जैसे हाँ समझा ना तो ऐसा नहीं करने का सी इट इज ऑलवेज वॉट एवर टाइम टेन थर्टी टेन फिफ्टीन और वॉट एवर आई से विच एवर इज लेटर ओके यस सो आई विल लेट यू नो ठीक है चलो मिसिज रोहिणी रवि नहीं रोहिणी रवि यस मिसिज रोहिणी रवि अ सिटीजन ऑफ यू एस एज रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया ये भी रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया है ठीक है रेसिडेंट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज लिविंग इन इंडिया शी ओन्स अ प्रॉपर्टी एट एल एस विच इज यूज एज अ रेसिडेंस बेस्ट है किधर रहते रहे वो यूएस में भारी द एन्युअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड वैल्यू ऑफ वन यूएस डी मे बी टेकन है फ्लैट इन चेन्नाई विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन मतलब रहने के लिए वाइल्ड शी इज इन इंडिया तो जब इंडिया में आती है तो चेन्नई में घर है और जब यूएस में रहती है तो उसका एल ए में घर है तो शी हैजन हाउस इन एल एंड शी हैजन हाउस इन चेन्नई शी हेज हाउस इन एल ए एंड वन हाउस इन बराबर हाँ अब सुनो ना द फ्लैट वॉज यूज बाय फॉर सेवन मंथ्स ज्यूरिंग द इयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर विच इज ओके द मिनसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज थ्री लाख एटी फोर थाउजेंड पर एनएम फेर एंट इज फोर ट्वेंटी शी पेड द फॉलोइंग टू द कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई कारपोरेशन ऑफ चेन्नई मतलब लोकल टैक्स Now maybe in Chennai it was called as property tax and there was a sewerage tax. Let it be. Sewerage tax is also a part of property tax. Whatever taxes you pay to the local corporation is nothing but a property tax. हर city में या अलग जगह पे क्या होगा, अलग-अलग नाम हो सकते हैं। जैसे चेन्नई में क्या नाम बोला? यहाँ पे property tax and sewerage tax. Sewerage is वो drainage और वो सब आ, को treat करना, वो waste water waste जो होता है वो, ठीक है ना? अब देखना शी है ओहो, ये लोन किसके लिए? चेन्नई के घर ये लोन किसके लिए है चेन्नई के घर ये लोन किसके लिए है? चेन्नई के घर के लिए लोन है अच्छा शी हैड अ हाउस इन बैंग्लोर आई गोइंग टू टीच यूर न्यू कॉन्सेप्ट टेंशन वेरी केयरफुली नो योर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ गया ना बेटा आपका आधा काम हो जाता है घर किधर है बैंगलोर में लेकिन अब है क्या नहीं बेच दिया कब बेच दिया मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउसिव एरियस ऑफ रेंट ऑफ सिक्स थाउजेंड क्या मिला उसको एरियस ऑफ रेंट कुछ तो पुराना आउटस्टैंडिंग रेंट मिला

अंडरलाइन करने का क्वेश्चन हमेशा कुछ तो काम बोलता है जैसे ही तुमको वो इंस्ट्रक्शन दिख गया पहले अंडरलाइन करने का रीड द क्वेश्चन लाइक अ स्टोरी खुद को बोलने का अच्छा रोहिणी रवि के दो घर है कभी कभी यूएस में रहती है कभी कभी चेन्नई में रहती है फिर ना क्वेश्चन में दिया है कि उसका बैंगलोर में भी घर है लेकिन अब नहीं है वो बेच दिया है उस घर से ना कुछ तो है बाबा वो कॉन्सेप्ट हमको अभी तक नहीं पता मैम पढ़ाने वाले एरियोज ऑफ रेंट है आउटस्टैंडिंग एरियज इज ओल्ड रेंट तभी उसका रेंट कुछ ड्यू होगा उसको मिला नहीं होगा वो एरियाज ऑफ रेंट उसको अब मिला कितना सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब हमने अपने को क्या करना है कंप्यूट इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसिज रोहिणी रवि इफ शी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम मतलब उसको बैक में नहीं जाना वो बैक के बाहर ही है शी इज नॉट सॉल्विंग इट एज पर बैक वुड यू आंसर चेंज इफ इफ शी पेज टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर बैक मतलब अगर वो बैक लेगी और बैक नहीं लेगी तो आंसर में चेंज होगा क्या हाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा क्या चेंज होगा बताती हूँ अब ध्यान से सुनो पहले तुम रेडी है क्या सुनने के लिए हाँ सबसे पहले मैं ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट बताती हूँ एकदम क्लियर अभी क्वेश्चन नहीं पहले करेंगे अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो नोटबुक में हम कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे मैं दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी आपको लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट रिकवर्ड एंड अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड दो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं आपको एरियज ऑफ रेंट एंड अनियलाइज रेंट रिकवर लिख रहे हैं क्या डन है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट ये क्या है अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड बरोबर है अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनेंगे पहले अनरियलाइज रेंट के बारे में बताती हूँ ठीक है अब सुनना अगर मैं रेंट शब्द बोलू रेंट फॉर प्रॉपर्टी सुनो ना मैं क्या शब्द यूज कर रही हूँ रेंट फॉर प्रॉपर्टी वेन एवर आई से रेंट फॉर प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में क्या आता है इनकम है या खर्चा है अरे रेंट फॉर अ प्रॉपर्टी मुझे मिल रहा है से रेंट फॉर अ प्रॉपर्टी रिसीव्ड मेरी प्रॉपर्टी है मैंने रेंट पे दिया तो ये रेंट क्या हो गया मेरा इनकम तो हम कहाँ कंसिडर करते हैं इनकम फ्रॉम एच ठीक है अगर ये रेंट रियलाइज ही नहीं हुआ अनरियलाइज रेंट है तो इट इज़ लाइक अ लॉस फॉर मी हम क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट वी डिडक्टेड फ्रॉम डिडक्टेड फ्रॉम स्टेप टू करते कि नहीं वॉट इज योर स्टेप टू ए आर विच इज़ एन्युअल रेंट लेस अनियलाइज रेंट लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो हमने क्या किया अन रेंट ये मेरा आपको चीजें समझ में आनी चाहिए रेंट मिला मतलब मेरा फायदा है मेरा इनकम है बट रेंट नहीं मिल पाया बैड डेट्स हुआ तो मेरा लॉस है क्या ये कंसिडर होगा हाँ कहाँ कंसिडर होगा स्टेप टू में स्टेप टू इज एन्यूल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अनियलाइज रेंट लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी ध्यान में आ रहा है क्या सबको यस अब अनरियलाइज रेंट रिकवर भी हो सकता है स्टोरी खत्म नहीं हुई अनरलाइज रेंट क्या हुआ रिकवर टेनेंट इज वेरी ऑनेस्ट अच्छी बात है यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट इंटीग्रिटी ऑनेस्टी इज अ वेरी गुड थिंग यू मस्ट ऑलवेज हैव दैट टेनेंट इज वेरी ऑनेस्ट यू हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बट वंस यू गॉट द मनी प्लीज रिपीट ही कम्स बैक एंड गिव्स द मनी मैम ही कम्स बैक एंड ही गिव्स द मनी फेंटेस्टिक तो अब क्या हुआ फायदा इनकम हुआ कि नहीं हुआ ना तो दिस इज इनकम एंड दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इट इज टैक्सड इन द ईयर ऑफ रिसीट जब मिलेगा क्योंकि तुम भी फॉलो अप कर रहे टेनेंट को बोल रहे यार कब दे रहा है रेंट कब दे रहा होते आ जाता हूँ कल आता हूँ जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो कोई भरोसा है क्या

Ya yeah, na the unrealized rent recovered will always be taxable under the head income from house property. It will always be taxable under the head income from house property. It will always be taxable under the head income from house property. So income from HP it is in the year of receipt and always taxable under. It is always taxable under what HP. ऑलवेज कहां टैक्सेबल होगा एचपी में इवन इफ हाउस इज इवन इफ एचपीड स्टिल इट विबल अंडर एचपी फ्रॉम एचपीट इन दर ऑफ रिसीड ऑलवेज टैक्सेबल अंडर एचपी हाउस इज सोल्ड एंड यू विल गेट थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन जनरली एचपी इनकम से मिलता है ना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अनरियलाइज रेंट रिकवर से थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा हाँ मैम वो अनियलाइज एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया एक्चुअल एक्सपेंसिस विल बी इग्नोर्ड क्यों अरे मेरे को ना अनरियलाइज रेंट रिकवर मेरा टेनेंट सीधा सीधा साधा नहीं था नहीं दिया मुझे रेंट मुझे एडवोकेट के पास जाना पड़ा लीगल खर्चा करना पड़ा तो लीगल खर्चा इग्नोर करेंगे एक बार थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया ना स्टैंडर्ड डिडक्शन की मीनिंग समझ के लो लॉजिक डेवलप कर लो जहाँ पे भी एक बार मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल दिया आपको मन में यह डाउट नहीं आना चाहिए आगे से तो मैम एक्चुअल खर्चे का क्या एक्चुअल खर्चा हो या ना हो कम हो या ज्यादा वी इग्नोर इट सबको यहां पे फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इसीलिए उसका नाम स्टैंडर्ड है ना रे बाबा स्टैंडर्ड डिडक्शन डेवलप दिस लॉजिक नाउ एक बार मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन शब्द बोल दिया फिक्स खर्चा बोल दिया एक्चुअल खर्चा इग्नोर होगा अब जस्ट लाइक अनरियलाइज रेंट ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि रेंट फॉर द प्रॉपर्टी इनकम है अनरियलाइज रेंट हुआ तो लॉस है हम स्टेप टू से माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया तो मैम कमाई है बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अब आता है एक एरियज ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट एरियज ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है आउटस्टैंडिंग रेंट आपको मिला ही नहीं आउटस्टैंडिंग रेंट हाँ तो मैम आउटस्टैंडिंग रेंट मन रेका मान के चलो बैंक को मैंने मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे दिए प्रॉपर्टी किसको रेंट पे दी है बैंक को प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट टू होम गिवन ऑन रेंट टू बैंक मैंने बैंक को दिया बैंक को मैंने बोला यार तुम्हारा रेंट जो है टेन थाउजेंड पर मंथ बट अभी ना यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइजेस रेंट के प्राइजेस बहुत बढ़ रहे ये ऑलरेडी फिक्स था आपका नाउ यू वॉन्ट टू इंक्रीज इट यू से आई वॉन्ट टू इंक्रीज द रेंट टू फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ बैंक से वी कॉन्ट इनक्रीज अरे हमें यह डिसीजन हेड ऑफिस में जाना जाएगा हेड ऑफिस डिसीजन लेगा फिर हेड ऑफिस अप्रूव करेगा फिर प्रोसेस बहुत स्लो है एक साल निकल गया उसमें बट हो गया अप्रूव तो जिस साल में आपने ऑलरेडी रिटर्न भर दी है आपने ऑलरेडी दस हजार के हिसाब से ही भरा होगा रिटर्न क्योंकि ये पंद्रह का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं तुमको पता नहीं है बैंक कॉल्स यू एंड सेज मैनेजर बोलते हैं कि इधर आ जाओ ही से लो सिक्सटी थाउजेंड का चेक तुम बोलते हो सिक्सटी थाउजेंड क्या है इसे ये लो सिक्सटी थाउजेंड का चेक क्या है सिक्सटी थाउजेंड तुम्हारा रेंट इंक्रीज अप्रूव हो गया अप्रूवल आ गया तो हर महीने का पांच हजार के हिसाब से दस और पंद्रह के बीच का डिफरेंस हर महीने का पांच हजार पर मंथ के हिसाब से बारह महीने का सिक्सटी थाउजेंड इज कॉल्ड एज एरियज ऑफ रेंट मैम एरियज ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट में फर्क क्या है नाम अलग है दोनों के उधर इज रेंट क्या फर्क है? है वो अनियलाइज रेंट है वहाँ पे bad dates है 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 पे नियत का फर्क फर्क उधर को bad dates करना था और areas of rent में क्या है? ऐसा कुछ तो नहीं मिला rent बढ़के हो हो गया गया बढ़ा के हो गया, फिर आपने दिया नहीं वो एरियाज ऑफ रेंट है आपकी नियत में खोट नहीं था बैंक मैनेजर क्या बोला अप्रूवल के मिले मुझे ऑफिस भेजना पड़ेगा हेड ऑफिस में अप्रूवल मिलेगा तो हम आपको दे देंगे एरियाज ऑफ रेंट आने दो अनरियलाइज रेंट आने दोनों आपका इनकम है दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट इज सेम बोथ आर टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट तो ये ऑफ रेंट भी कब टैक्स होगा इट विल बी इन द ईयर ऑफ टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट कौन से हेड में टैक्स होगा ऑलवेज टैक्स अंडर ऑलवेज टैक्स अंडर एचपी इट इज ऑलवेज टैक्स अंडर एचपी वेदर हाउस इज देयर और नॉट देयर यू मस्ट हैव सोल्ड द हाउस ऑल्सो whether house property is there or not there not there queue you can sell it also you will get 30% standard deduction khatam सेम ट्रीटमेंट अनरियलाइज्ड रेंट हो या ऑफ रेंट हो। मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज्ड रेंट नाम बोला जाएगा एरियर्स ऑफ रेंट को एरियर्स ऑफ रेंट बोला जाएगा मैम फर्क क्या है अनरियलाइज रेंट में बैड डेट्स होने वाला था हो गया था फिर वो आके आपको दे रहा है एरियर्स ऑफ रेंट में रिमेंबर द बैंक वाला एग्जाम्पल दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट वैसे भी

ये एडजस्टमेंट एवियर्स ऑफ रेंट एंड अनियलाइज रेंट रिकवर्ड इसको देंगे दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस तारे जो भी आपको बनाने बना लो आईसीआई का ये सुपर डुपर फेवरेट एडजस्टमेंट है हर अगर एचपी पे क्वेश्चन आता है तो नाइनटी परसेंट चांसेज होता है वो अनरियलाइज रेंट जैसे रोहिणी रवि का आप क्वेश्चन देखोगे ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है मॉड्यूल के क्वेश्चन में वो बैंगलोर के घर से आपको क्या मिला एरियर्स ऑफ रेंट मिला उनको ये पसंद ही है और ये भी पसंद है कि घर बेच दिया उसके बाद एरियज मिला अरे हाँ रे हमको पता है घर बेचने के बाद भी एरियस मिला तो ये एचपी इनकम होगा हम सीख लिए हमको पता ही है ये समझा क्या तुमको लिखने का है क्या है नहीं रे नहीं, नहीं नहीं तुम बहुत टाइम लगाते हो यार लिखने के लिए यू ऑल आर वेरी स्लो इन राइटिंग बहुत टाइम लगाते हो तुम कितना टाइम चाहिए तुमको बाप रे दो मिनट टू मिनट्स नो 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 तुम क्या पे देखते हो one minute. हाँ तो वैसे गुड फॉर ऑल पहले इस एडजस्टमेंट को देंगे दो तीन चार पांच चार चार। चार। दो तीन चार पांच स्टार मार्क्स नहीं, नहीं नहीं और ज्यादा भी दे दो सात आठ नौ दस चांद तारे जो भी बनाने बना लो ठीक है आईसीआर फेवरेट एडजस्टमेंट गायत्री भोसले मैम एरियाज ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट रिपीट कीजिए ना ऐसा ही बैंक वाला एग्जांपल गायत्री रिमेम्बर द बैंक वाला एग्जांपल कि बैंक का रेंट अप्रूव हो गया रोहित आज रिवीजन नहीं है क्या नहीं है बेटा दो दिन नहीं है था रिवीजन अब कल का मैं अपडेट देती हूँ आपको एरियज ऑफ रेंट इज बैंक का एग्जाम्पल बेटा कि पहले रेंट हाँ 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 पहले रेंट बैंक का दस हजार था फिर आप बैंक में बोल रहे हो पंद्रह कर दो तो बोलते नहीं ये हम बाद में कर देंगे अप्रूवल आने के बाद तो बाद में जब आ गया आपको डिफरेंस पेमेंट कर दिया देट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एरियज ऑफ रेंट मृणाल बोलते मैम जीरो पॉइंट सेवन फाइव पे देखती हूँ oh गॉड तुम लोग लेकिन बढ़ा के लेक्चर टू एक्स पे देखते हो सीरियसली yeah. टू yeah. एक्स yeah. बहुत ज्यादा है वन पॉइंट फाइव ठीक है थ्री हाँ लिखते टाइम स्लो देखना पड़ता है yeah. तो फिर हमने भी फास्ट फास्ट बात करनी चाहिए क्या यस yeah. तो yes. yeah. so, so, फिर आपको वो टू पॉइंट फाइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमने स्पीड बढ़ाना चाहिए क्या हमारा बात करने का क्या रे वो न्यूज रिपोर्टर जैसे ऐसे फास्ट वैसे बोलना चाहिए क्या सेमस लेस दे आर सेम यस सेम आप धीरे धीरे बोलते हो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ अच्छा ठीक है अभी मैं फास्ट फास्ट बोलती हूँ थोड़ा ट्राई करती हूँ चलो हो गया क्या एक मिनट कब का हो गया हाँ थर्टी स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा ऐसा ना हाँ ऐसा ही ना ऐसे क्रॉस चेक नहीं करने का कर, कंफर्म नहीं हैबिट बोल दिया ना मिलने वाला है तो मिलने वाला है डन है चलो रोहिणी रवि का क्वेश्चन सॉल्व करते रहे लोकर डन चलो लेट्स सॉल्व हो गया रोहिणी रवि का क्वेश्चन पढ़ते क्या क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या है बोलो क्वेश्चन uh, में बोलो इंस्ट्रक्शन क्या दिया है हाँ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन फोर्टीन के पेज नंबर दे दो नंबर योर नोटबुक पेजेस डेयर यू नॉट नंबर योर नोटबुक पेजेस सिटिंग इन माय क्लास ज एवरीबडी नंबर इन द नोटबुक पेजेज यस डन नाउ राइट डाउन क्या बोला है अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्या है कॉम्पिटेशन ऑफ देखो कॉम्पिटेशन ऑफ इनकम ऑफ इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी किसके लिए कर रहे हैं अपन फॉर रोहिणी रवि सिर्फ एच का इनकम निकालना है पहले लिखेंगे फैक्स शी वन हाउस वेयर यूएसए किसके लिए यूज किया रेसिडेंस शी वन हाउस इन चेन्नई किसके लिए यूज किया रेसिडेंस कैन टू हाउसेज बी ट्रीटेड एज एसो यस ये भी एसो बन जाएगा और ये भी एसो बन जाएगा करेक्ट ना कैन आई हैव टू हाउसेज एज एसो यस प्लस क्या दिया है शी एरियर्स एरियर्स ऑफ ऑफ रेंट रेंट ये कौन से घर के लिए मिला फॉर बैंगलोर हाउस लेकिन बैंगलोर का घर अभी है ही नहीं. नहीं मत होने दो फिर भी जो एरियज है वो कहां पे आएगा एचपी में आएगा एरियज ऑफ रेंट फॉर बैंगलोर हाउस प्रॉपर्टी रुपीज सिक्सटी थाउजेंड यह भी टैक्स होगा क्या एचपी में हाँ लेकिन इसको टैक्स करते वक्त क्या करेंगे थर्टी परसेंट ऐ, क्या करेंगे थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा क्या आएगा थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ये क्या है आपके फैक्ट से वन एचपी यूएसए में वन एचपी चेन्नई में ऑफ रेंट रिसीव एरियॉर बैंगलोर हाउस प्रॉपर्टी हाउ मच इज दैट सिक्सटी थाउजेंड सही है क्या ओहो बराबर है ना हाँ अब सुनना यहां पर पर्टिकुलर्स कितने कॉलम बनेंगे दो ही कॉलम बनाएंगे बैंगलोर के लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है उसको सिर्फ एरियाज ऑफ रेंट करके ऐड कर देंगे चलो पर्टिकुलर्स टू कॉलम्स लेट्स कंप्लीट द फॉर्मेट सिर्फ क्वेश्चन में पता है क्या लोन लिया है किसके लिए लोन लिया है वो मैंने मार्क करके दिया क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज बहुत हटके है यहाँ पे वो ये है लोन टेकन फॉर चेन्नई प्रॉपर्टी क्या हटके है लोन टेकन फॉर चेन्नई प्रॉपर्टी तो चेन्नई प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या लिया लोन लिया वो हटके वो पढ़ेंगे फिर से पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं पर्टिकुलर्स टू हाउस एचपी एसओ हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई एसओ कैन आई हैव टू हाउसेज एज एसओ यस yes. फॉर्मेट लिख के लो रे राइटिंग स्पीड बढ़ाओ थोड़ा यूएस के घर से रिलेटेड कुछ डेटा है क्या देखो जान बूझ के रॉन्ग नंबर है कितना डेटा दिया रहे उसकी वैल्यू इतनी उसका ये उतना बट दोनों ऐसे है तो क्या हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा ये yes, दोनों का जीए भी क्या होने वाला है नील होने वाला है ध्यान में आ रहा है क्या सबको Raman, step जयरमन स्टेप वन expected. ऑलवेज एक्सपेक्टेड इट जस्ट टॉक्स अबाउट एक्सपेक्टेड अब nil, standard deduction nil. इस घर के लिए कोई loan का data है क्या नहीं Income from HP nil. Zero dash कुछ भी लिख सकते हो चेन्नई घर चेन्नई का घर भी ऐसो है तो जीएवी क्या आएगा लिख के हो गया ना सब मेरे साथ है ना एवरीबडी विथ मी हाँ चेन्नई का घर का जीएवी क्या है नील म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है सीवरेज टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स कुछ तो दिया है बट फिर भी अलाउ होगा क्या नहीं क्योंकि वो क्या है डैश नील डिडक्शन डिडक्शन में स्टैंडर्ड नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए, लिए लिखेंगे नोट वन चलो आप पढ़ोगे क्वेश्चन में से आपको जो क्वेश्चन दिया है वो पढ़ोगे और मेरे इन सवालों का जवाब दोगे नोबडी विल शाउट आंसर रीड ऑब्जर्व टॉकलेस नोट वन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर चेन्नई मुझे उसमें से चाहिए कितना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करो लॉजिक यूज करो कुछ भी आपको जो ट्राई करना है ट्राई करो गिव मी द ब्रेकअप ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना और करंट ईयर इंटरेस्ट कितना आप आ रहे हो क्या गुरुकुल आज नहीं आ पाऊँगे बेटा देर सम मेडिकल इमरजेंसी मेरे घर पे इसलिए कल भी मैं नहीं थी इसलिए आज भी नहीं हुआ अदरवाइज आई वुड कम आई वुड लव टू कम मैं आती हूँ जनरली बट देर इज सम मेडिकल इमरजेंसी सो आई वोंट बी एबल टू कम मैं सिर्फ आपका लेक्चर लेने के लिए ही आई हूँ पहले जो इंटरेस्ट है उसमें से प्री कौन से और करंट कौन सा है पहले वो बता दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं आपके तो एक स्टूडेंट का आंसर है बोल बेटा प्री कंस्ट्रक्शन कितना है फोर्टी नाइन टू हंड्रेड प्री है ठीक है उसको बाद में फाइव करेंगे और करंट ईयर का कितना है वन एटी टू वन हंड्रेड एनी अदर आंसर यू कैन हैव अलग अलग आंसर आप वो मत देखो आप ट्राई करो आंसर नहीं देना ये नहीं चलेगा आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा

यही है सबका गलत है सबका यही है क्यों जीरो आएगा नहीं जीरो नहीं आएगा प्री कंस्ट्रक्शन आएगा ना हाँ मैम प्री कंस्ट्रक्शन इज ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी कहाँ से है इसको एंड करंट ईयर इज वन थर्टी वन थ्री हंड्रेड ऐसा एक आंसर है ये ऑप्शन एक ये टू थ्री और कोई है क्या नो प्री कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है बेटा uh, अफरोज प्री कंस्ट्रक्शन आएगा प्री कंस्ट्रक्शन वन लैख प्री कंस्ट्रक्शन वन लैख फिर करंट ईयर कितना चलो मैं करू क्या इसका वर्किंग फिर वन थर्टी वन थ्री हंड्रेड क्या ऐसा अच्छा फिर इसलिए वन लैख डिवाइडेड बाय फाइव तुम्हारा ट्वेंटी आ रहा है ऐसा आंसर आ रहा है ओके 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 मैम ये लोन तो परचेज के लिए लिया है ना चलता है ना परचेस को भी प्री कंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं परचेज के पहले वाला भी प्री कंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं ना अच्छा अब मैं बताती हूँ मैं आंसर बताऊ अभी हाँ सुनो तुमने ट्राई करने का अच्छा वन टू एंड थ्री हाँ वन टू एंड थ्री टू एंड थ्री आर सेम ओनली मतलब ये वन लैख है उसने वन लैख का डिवाइड बाय फाइव किया है ठीक है परचेज है तो भी चलता है परचेज को भी प्री कंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं चमेली का एग्जाम्पल मैंने परचेज वाला ही दिया था यार प्री कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे शब्दों को ये मत करो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए ऐसा नहीं होता बेटा ओके अब सुनना ए लिसन चेन्नई के घर लॉजिकली भी समझाऊंगी फॉर्मूला से भी दिखाऊंगी फॉर्मूला आपको कभी फेल नहीं करेगा फॉर्मूला ऑलवेज हेल्प यू पहले चेन्नई के घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था कंस्ट्रक्शन डेट बोलो ना वन सेवन ट्वेंटी थ्री मतलब परचेज किया आपने लेकिन परचेज आपने इस डेट को किया लेकिन लोन आपने पहले लिया कंस्ट्रक्शन नहीं तो परचेज डेट बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है परचेज डेट परचेज डेट फर्स्ट जुलाई लोन कब लिया आपने जून ट्वेंटी वन तो इधर प्री कंस्ट्रक्शन यस सीधे दिख रहा है अब सुनना प्री कंस्ट्रक्शन खत्म कब होता है इस डेट के पहले वाले थर्टी फर्स्ट मार्च तक आप लॉजिक से जाओ मतलब सुनना अगर मेरा कंस्ट्रक्शन एक जुलाई ट्वेंटी थ्री को हुआ है उसके पहले वाले थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री तक प्री कंस्ट्रक्शन आएगा उसके बाद करंट ईयर होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री तक ही प्री कंस्ट्रक्शन होगा ओके okay? नहीं मैम ऐसा नहीं हमको फॉर्मुला से ओके डेट ऑफ टेकिंग द लोन क्या डेट है डेट ऑफ टेकिंग द लोन लोन लेने का डेट क्या है जून ट्वेंटी वन डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन दिया है क्या नहीं दिया दिस विल बी सम लेटर डेट रीपेमेंट डेट लेटर होगा और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ ब्रैकेट में लिखेंगे वन जुलाई 23 उसके पहले वाला मार्च 31 मार्च 23 विच एवर इज अर्लियर आगे आपको जून 21 से लेके 31 मार्च 23 तक प्री कंस्ट्रक्शन है तो व्हाटएवर इंटरेस्ट यू आर वेरी लकी इंटरेस्ट रेडीमेड कैलकुलेट करके दिया है तो जो भी इंटरेस्ट आपको 31 मार्च तक आया है आ रहा है मतलब प्रायर टू फर्स्ट अप्रैल 23 49 टू हंड्रेड इज प्री कंस्ट्रक्शन एंड वॉट एवर इंटरेस्ट इज आफ्टर वॉट एवर इज द इंटरेस्ट आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री फिफ्टी थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस वन थर्टी वन थ्री हंड्रेड दिस इज गोइंग टू बी करंट ईयर वन एटी टू वन हंड्रेड नहीं ना मैम सुनो 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 फॉर्मूला फिक्स है कि नहीं फॉर्मूला से जाओ तो भी वही आएगा अब लॉजिक से जाओ तो मैं आपको यहां से दिखाती हूँ क्वेश्चन में से एक बार देखो देखो बेटा मेरा घर रेडी हुआ थर्टी फर्स्ट जुलाई थर्टी फर्स्ट ना फर्स्ट जुलाई ओके मेरा घर रेडी कब हुआ फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी थ्री को तो मैम ऐसे करते ना जुलाई को रेडी हुआ ना तो जून तक प्री कंस्ट्रक्शन है बाउलट क्या बोला है तुमको मैंने जिस घर में बावलट <laughs> जिस ईयर में घर रेडी हो गया प्रॉब्लम उधर नहीं है प्रॉब्लम उसके पहले जुलाई 23 को घर रेडी हो गया मतलब उस पूरे साल में अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक तो वो घर रेडी है उसको प्री कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं जुलाई के पहले वाले मार्च को दैट इज व्हाई व्हाटएवर इंटरेस्ट इज देर टिल 31 मार्च मतलब प्रायर टू 1 अप्रैल 23 दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज करंट ईयर आप लॉजिक से जाओ कि मैम जुलाई को घर रेडी हुआ तो उसके पहले वाले मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन है या आप फॉर्मूला से जाओ फॉर्मुला आपको कभी फेल नहीं करेगा बट पोजेशन तो नहीं मिला इट इज ओके आर के आपको जुलाई में मिल गया उस साल में मिल गया इनकम टैक्स सारा वर्किंग ईयरली बेसिस पे करता है इनकम टैक्स ईयरली करता है उस साल में कभी भी पोजेशन मिल गया मतलब घर उस साल रेडी है बात खत्म चलो तो आपको नोटबुक में नोट uh, में आप ये लिख सकते हो डेट ऑफ टेकिंग द लोन टिल दिस डेट ऐसा लिखो नोट वन इंटरेस्ट ऑन लिखो वन ए है कि वन ए वन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल राइट डाउन फॉर्मूला से भी दिखा रही हूं आपको ये फॉर्मूला से है इसलिए बोला ना ये एक क्वेश्चन है जो लॉजिक के बेसिस पे भी है हां प्री कंस्ट्रक्शन फाइव ईयर्स में डिवाइड होता है तो वो करेंगे ना पहले प्री कंस्ट्रक्शन के अमाउंट तो निकालेंगे तो मैं यहां बोलूंगी अलावेबल प्री कंस्ट्रक्शन पहले तुम पीरियड निकालो तो ये फोर्टी नाइन टू हंड्रेड क्या है फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय 5 कितना रे नाइन नाइन ओके दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन ऐसे जाओ या यू वॉन्ट टू गो बाय लॉजिक लॉजिक क्या बोलता है कंस्ट्रक्शन या परचेज डेट पोजेशन आपको कब मिला परचेज द प्रॉपर्टी यू परचेज द प्रॉपर्टी ऑन फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी थ्री देफो पी वाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर विल नॉट बी प्री कंस्ट्रक्शन क्योंकि घर रेडी है विल नॉट बी प्री कंस्ट्रक्शन यार उस साल तो घर रेडी हो गया ना उसको प्री कंस्ट्रक्शन कैसे बोलेंगे तो वॉट इज प्री कंस्ट्रक्शन अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री इज प्री कंस्ट्रक्शन या आपको लिखना है तो आप लिखो नहीं मैम मैं तो फॉर्मूला से ही करूँगा देन डू इट बाय द फॉर्मूला नो प्रॉब्लम दिस इज द लॉजिक ऑल्सो जिस साल घर रेडी हो गया किसी भी डेट को होने दो उस साल हो गया ना तो वो उस साल में प्री कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा बेटा क्योंकि घर रेडी हो गया इनकम टैक्स सारा वर्किंग ईयरली बेसिस में करता है ठीक है नाउ देफो करंट ईयर इंटरेस्ट करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है फिफ्टी थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस वन थर्टी वन थ्री हंड्रेड कितना है रे वन एटी टू वन हंड्रेड तो ये हो गया करंट ईयर और ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन दो आएगा देफो आपका टोटल इंटरेस्ट नाइन एट फोर जीरो प्लस वन एटी टू वन हंड्रेड कितना आ रहा है रे वन नाइन्टी वन नाइन फोर्टी एंड इज इट विद इन द लिमिट ऑफ टू लैक्स ऑल्सो यस एसओ प्रॉपर्टी है दो लाख के अंदर भी है बराबर है क्या चलो वन नाइनटी वन नाइन फोर्टी लिखू क्या लिखो मैंने आपको बोला लॉजिक से भी आएगा फॉर्मुला आपको कभी फेल नहीं करेगा दोनों तरीके से आप कर सकते हो कल से प्री कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन चालू है प्री कंस्ट्रक्शन पढ़ाया उसी के सारे क्वेश्चंस करा दिए तो ऐसे ही होगा कॉन्सेप्ट पहले थेरोटिकली पढ़ाऊंगी फिर प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगी थोड़ा सा पेशेंस रखते जाओ थेरोटिकली पढ़ाने के बाद अगर लगता है कि नहीं समझा तो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है

नीचे इनकम फ्रॉम एच पी अब इसमें क्या ऐड होने वाला है एरियर्स ऐड होगा ना इनकम फ्रॉम एच पी में पहले आप कंसिडर करो क्या फर्स्ट पॉइंट लिखो एरियर्स एरियर्स ऑफ रेंट एरियर से मिला आपको बैंगलोर प्रॉपर्टी बैंगलोर का प्रॉपर्टी बेच दिया तो कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं उसका टेनेंट ऑनेस्ट है आके दे रहा है आपको तो अच्छी बात है मैं लिखूंगी सिक्सटी थाउजेंड माइनस एटीन थाउजेंड वॉट इज दिस हाँ थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सिक्सटी थाउजेंड माइनस एटीन थाउजेंड मैम एचपी का पोजेशन नहीं मिला तो डिडक्शन क्लेम कर सकते क्या हाँ उस साल मिला ना आर के तू प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है जुलाई में तुझे मिला तो उस साल में प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया तो एचपी का वर्किंग होगा फिर इंटरेस्ट का वर्किंग कंसिडर करेंगे मैम आज आप गुरुकुल भी आओ बट आज मैं नहीं आ सकती आई टोल्ड यू नो सम मेडिकल इमरजेंसी सो आई हैव टू गो बैक आई वोंट बी एबल टू कम टुडे जनरली अदरवाइज कुछ भी इवेंट होता है तो मैं आती हूँ गुरुकुल में बट आज नहीं आ पाऊंगी तो सिक्सटी माइनस एटीन हाउ मच फोर्टी टू थाउजेंड अब इनकम फ्रॉम एच पी क्या होगा देखना अब इनकम फ्रॉम एच पी का टोटल क्या होगा हाउस यूएस uh, वाला घर नील चेन्नई नेगेटिव वन नाइनटी वन नाइन फोर्टी प्लस एरियस एरियस कितना फोर्टी टू थाउजेंड तो ये कितना आएगा नेगेटिव वन वन फोर्टी नाइन नाइन फोर्टी मॉड्यूल का आंसर है क्या एक बार आंसर चेक कर लेते अपन वन फोर्टी नाइन नाइन फोर्टी आया क्या सबका चेक करो रे आर यू ऑल गेटिंग दिस क्वेश्चन ट्वेंटी फोर इज होमवर्क कौन सा दिया आपको होमवर्क मैंने सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फोर होमवर्क सिक्सटीन होमवर्क के लिए ट्वेंटी फोर भी होमवर्क के लिए सेम है ट्वेंटी फोर किस पे बेस्ट है पता है क्या एरियस इट इज ऑन एरियस एंड अनरियलाइज रेंट किस पे बेस्ड है एरियस एंड अनरियलाइज रेंट याद रखना एंड अनरियलाइज रेंट इज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट उसमें से थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फिक्स अच्छा खर्चा एक्चुअल आपको रॉन्ग नंबर करके दिया जाएगा उसको कंसिडर करने का या इग्नोर करने का इग्नोर स्टैंडर्ड डिडक्शन का फिर कोई मतलब ही नहीं होगा ध्यान में आ गया क्या सबको पक्का ध्यान में आ गया ओके okay. अब रोहिणी रवि के क्वेश्चन के नीचे बॉक्स है ना मतलब ये वाला क्वेश्चन आपने पक्का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो एग्जाम के पहले रोहिणी रवि में से क्या एडजस्टमेंट आपने देखना चाहिए फॉर श्योर sure. हाँ तो वहां पे हम लिखेंगे गो थ्रू इंटरेस्ट एडजस्टमेंट इसका इंटरेस्ट एडजस्टमेंट थोड़ा हटके है गो थ्रू द इंटरेस्ट एडजस्टमेंट फॉर चेन्नई प्रॉपर्टी ये आपको एग्जाम के पहले पूरा क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं है पीएल में इसका चेन्नई वाला इंटरेस्ट देखना बहुत ही जरूरी है आज फास्ट ट्रैक नहीं है हर्ष कल कल लूंगी अभी फास्ट ट्रैक गो थ्रू इंटरेस्ट एडजस्टमेंट फॉर चेन्नई बराबर है क्या ये आपको देखना है प्लस एरियस ऑफ रेंट इज टैक्स इन द रिसीट इज टैक्स इन द ऑफ रिसीट और क्या मिलेगा आपको थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलेगा आपको थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल है बरबर ना सही है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या रे ए प्रॉब्लम है क्या 23 ट्वेंटी थ्री राइट मच कौन कर रहा है मेरी क्लास में कौन रहे ट्वेंटी थ्री एक्चुअली इट्स होमवर्क क्वेश्चन बट डू इट राइट नाउ सॉल्व इट राइट नाउ आई विल चेक विथ यू ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन हियर इन द क्लास इट सेल्फ मतलब सेवनटीन तक मेरे सारे क्वेश्चन हो गए ना सेवनटीन तक तो सारे हो गए हाँ ये एचपी मैनेजेबल लग रहा है ना सिंपल ही वर्किंग फॉर्मेट फिक्स्ड है एसओ SO का जीएबी नील एल का कैलकुलेशन करना है डीएलओ का सिर्फ स्टेप वन इंटरेस्ट में प्री कंस्ट्रक्शन एसओ के लिए दो लाख और तीस हजार की लिमिट यस यू कैन टू घर आउटसाइड इंडिया और एक इंडिया में और दोनों घर आउटसाइड वाले तुमको ऐसो ट्रीट करना है तो यू कैन नो प्रॉब्लम बट दैट इज ओनली फॉर आर ओ आर बेटर ओह हो हो एक सेकेंड एक सेकेंड वो क्वेश्चन फोर्टीन uh, में बैक का कॉन्सेप्ट बाकी है ना वो कंप्लीट करता है ना हाँ फोर्टीन में पहले वो करते फिर ट्वेंटी थ्री पढ़ो रुको अच्छा मैं सिखाती हूँ इधर कौन सा क्वेश्चन है अपना हाँ रोहिणी रवि को इससे भी चेक कर लेंगे मॉड्यूल से भी चेक करते रुको कमिंग बैक टू फोर्टीन कमिंग बैक टू फोर्टीन माई गॉड कमिंग बैक फोर्टीन आई यू ऑल कमिंग बैक टू फोर्टीन यस अगर सुन के लेना अभी फोर्टीन में इफ शी ऑप्स आउट ऑफ बैक आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक मतलब उसने नहीं ऑप्ट किया डिफॉल्ट रेजिम वो कंसेशनल टैक्स नहीं चाहिए बैक क्या होता है ध्यान दो बैक क्या होता है कंसेशनल बैक hey, क्या होता है कंसेशनल तो बोलते बैक नहीं चाहिए कंसेशनल मेथड नहीं चाहिए उधर क्या करना पड़ता है ठीक है बैक नहीं चाहिए तो इनकम फ्रॉम एचपी कितना वन फोर्टी नाइन नाइन फोर्टी जो है वो है जैसा है वैसा है लेकिन सुन के लो ये सिखा रही हूं अभी बैक में आपको सेक्रीफाइसिस करने पड़ते हैं ये पता है क्या आपको इफ शी ऑप्ट फॉर बैक फॉर वॉट हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक उसने ऑप्ट किया इफ शी ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक इफ शी ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक देन शी हैज टू सेक्रीफाइस सुन के लोग क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी इनकेस ऑफ एसो प्रॉपर्टी आपको एसो SO प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो बैक में नहीं मिलेगा आपको जो एसो SO प्रॉपर्टी का ये जो इंटरेस्ट है ना ये एचपी का ये ये नहीं मिलेगा पता है उसने बैक लिया तो क्या होगा उसने बैक लिया तो यूएस वाले घर का आंसर नील चेन्नई वाले घर का आंसर भी नील क्यों मैम क्योंकि ये एन ए वी यहाँ पे आपका नील आ रहा है ये नील आ रहा है यहाँ ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आ रहा है ट्वेंटी फोर बी डैश ये वन नाइन्टी वन नाइन फोर्टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ये जीरो बन जाता है बैक में आपको कंसेशनल टैक्स रेट चाहिए आपको कुछ सेक्रीफाइसिस करने पड़ेंगे नो मैम दिस इज अनफेयर बैक कंपलसरी नहीं है इट नथिंग इज कम्पल्सरी बैक में हर चैप्टर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है बैक में एवरी चैप्टर इज गोइंग टू सेक्रीफाइस समथिंग दैट इज वाई आई कान टीच यू बैक मैं चाहू तो मैं आपको बैक मैकेनिकली पहले ही पढ़ा सकती हूँ बट आई डोंट वॉन्ट टू टीच इट मैकेनिकली ध्यान में आ रहा है क्या देट इज आई इन दिस चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या ये मैं फिर से जब बैक पढ़ाऊंगी तब आपको सिखाऊंगी हाँ तब सिखाऊंगी तो यहां क्या होने वाला है शी on borrowed इंटरेस्ट ऑन case कैपिटल इन केस ऑफ एसओ do मैम देन डू आई the वर्किंग अगेन नो Sacrifice करना है तो डू आई नो देन directly आई कैन राइट डाउन कैन आई राइट डाउन directly? Yes. देन इनकम फ्रॉम एचपी यूएस घर के लिए नील चेन्नई घर के लिए नील एंड एरियस आएगा एरियस सेक्रीफाइस नहीं करना एरियस फोर्टी फोर्टी टू थाउजेंड एसेंट माइनस करने के बाद फोर्टी टू आया मुझे पता है ना ऊपर एरियस कितना है फोर्टी टू कैन आई डिरेक्टली राइट फोर्टी टू यस यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ऑफकोर्स मिलेगा सिक्सटी थाउजेंड माइनस एटीन थाउजेंड वॉट इज एटीन थाउजेंड थर्टी परसेंड थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा हाँ मैंने बोला कि वो सैक्रिफाइस करना है क्या सैक्रिफाइस करना है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो भी सिर्फ एसओ के लिए अगर एलो होता तो वो इंटरेस्ट सैक्रिफाइस नहीं होगा तो यहाँ पे फिर आंसर आता आपका फोर्टी टू थाउजेंड इनकम फ्रॉम एचपी मतलब पॉजिटिव आता जो लॉस आ रहा था वो क्या हो गया पॉजिटिव लॉस आएगा तो अच्छा होता है एचपी का लॉस किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा फिर आपका जी टी आई कम हो, होगा अगर बैक लिया तो 191940 बैक लिया तो 42,000 बैक नहीं लिया तो ये 149940. फोर्टी सो इफ शी फॉर बैक देन द एचपी आंसर इज पॉजिटिव 42000 एंड इफ शी ऑप्ट आउट ऑफ बैक इट इज वन फोर्टी नाइन डाउन डन है क्या हेडलाइन लिखो अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक नो 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 कैन यू ऑप फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक फॉर वन हेड एंड नॉट फॉर अदर हेड नो 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 ऐसा आधा अधूरा नहीं चलेगा लेना है तो पूरा बैक लेना है नहीं तो नहीं लेना बेटा ओके यस लिखो क्या बोला हमने अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक Interest on borrowed capital under Section 24B under 115 back interest on borrowed capital under 115. No, sorry, sorry, under 115 back interest on borrowed capital under 24B under 24B is not allowed for S.O. property under 115 back. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी इज नॉट अलाउड फॉर एसओ प्रटी हेडलाइन लिख दिया बस yes. डन है क्या यस आई थिंक आई स्टॉप ह्यूर क्योंकि वहां पर इनका कुछ इवेंट होगा तो, तो वो जो नहीं ट्वेंटी फोर हम देखेंगे वो मत करो दो ही होमवर्क के लिए दिए कौन से दो दिए होमवर्क के लिए सिक्सटी नाइन और अब मैं कौन सा बोल रही थी 23 कल ही देखते हैं डोंट डू 23। 16 एंड 24 फोर आ फॉर होमवर्क सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फोर फॉर होमवर्क ठीक है नहीं इधर कंक्लूजन नहीं बोला है उन्होंने बोला है अगर बैक होगा तो क्या और बैक नहीं होगा तो क्या कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है ना वन सेकेंड वेट इधर इनकी क्वेरी है ना कुछ तो क्वेरी है ना इनकी क्या है मेरे को यूट्यूब पे लेक्चर क्यों नहीं दिख रहा है हाँ वेट यूएस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो उसका इनकम क्यों कैलकुलेट करते गायत्री बिकॉज यूर अ रेसिडेंट ऐसा करना पड़ता है ए वो करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट जैसे आनंद सर के केस में किया आनंद सर के केस में भी फॉरिन uh, इनकम का लंडन का घर का इनकम क्यों लिया क्यू लिया गायत्री एक बार मैसेज टाइप करने के बाद मैम प्लीज बताइए मत बोल मैं बता ही रही हूं क्यों लिया क्यूंकि आनंद सर इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एंड टोल्ड टीच यू दिस बेटर इन द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस हाँ आगे और कौन है डाउट वाला मैम वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन 14 में 23, 24 करंट ईयर कैसा है बिकॉज वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर 23, 24 एंड मार्च 23 के पहले प्री है तो उसके बाद क्या होगा करंट ईयर होगा ये देखिए यहां समझेगा ये लिखा है ना इधर कैसे देखिए ऐसे है ट्वेंटी तक प्री कंस्ट्रक्शन है तो आफ्टर दैट आफ्टर दैट इज करंट ईयर सही है क्या इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन टूमोरो वन शिका इट्स ओके यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग अच्छा क्वेश्चन सेवनटीन में एक करेक्शन करना क्वेश्चन सेवनटीन में डेटा मंथली दिया है तो वो गलती हो गई वहां पर मंथ का पर मंथ कट कर दो पर मंथ पर्टिकुलर्स कट कर दो इट्स नॉट पर मंथ इट्स सही है क्या डाउट है क्या किसी को रोज क्लास में लिखे हुए नोट्स की पीडीएफ आती है क्या नहीं आती है आपको लिखना है मेरे साथ ही हाँ तनिशाइल टीच यू वेन आई टीच यू अबाउट बैक मंथली की जगह मैंने ईयरली कर दिया उन्नत ऑलरेडी कर दिया ऑल डन आओ जो मैम बोलता है कीर्तन ओके बेटा वंशी का यू कीप ऑन सॉल्विंग इट रिवाइज इट ओके ऑल राइट थैंक यू आई सी यू बाय 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 या यू कैन कम एंड आज यो डाउट अमर लेक्चर हाँ हाँ बोलो ना क्या त्रिशूल वेरी गुड वाह वेरी नाइस वेरी गुड हाँ बोलना

लॉजिकल है ना बेटा वन... इतना अलाउ करना वेचुएशन है इकड़ तिकाय थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री लॉजिकल है कस रेंट नहीं दाख सोले मै शो इट एज सो ना और जीएवी विल बी नील हो स्ट्रीमिंग बंद कर कर दिया बाय हाँ बोल बेटा तू इंटरेस्ट सैक्रीफाइस नहीं होगा किसके लिए होगा सिर्फ एसओ के लिए, लिए? परफेक्ट हाँ हो विचारना हा कुछ है थ्री थर्ड हाँ तो बी च जे भी डायरेक्टली नील ये नहीं एलो प्रॉपर्टी विच इज वेकंट फॉर ट्वेल्व मंथ्स इट्स जे बीज टेकन एज नील यू कैन ट्रीट इट एज डीएलओ ओके